ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो पिछले उस कक्षा में ये आ रहा था, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्ते त्याहुर मनीषिणः। उसमें ऊपर वाला प्रतीक बता देते सर, है ऊपर वाला प्रतीक जो वाक्य है। हाँ हाँ, ऊपर वाला प्रतीक वाक्य यही है ना, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्ते त्याहुर मनीषिणः। पृष्ठ संख्या क्या है हमारे इसमें? 128 है। 128 सेकंड लाइन में है ये कठोपनिषद का। तो ये भोक्ता की परिभाषा की ना, इसमें ये कहा ना, संगतस्यैव भोक्तृत्वम् आह मंत्र वर्णः। ये भोक्तृत्व को बता रहा है, और भोक्तृत्व कौन है? संगत, संगत माने चैतन्य जो कार्यकरण के साथ जुड़ा हुआ है, कार्य बॉडी कॉम्प्लेक्स। हाँ, साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म जिसकी उपाधि है, वो दोनों मिल करके भोक्तृत्व भोक्ता होता है। फिर ये तो भोक्ता की बात हो गई। अब अगले दो मंत्रों में अनुपहित शुद्ध स्वभाव ब्रह्म प्रदर्शन परव मंत्र पठति। तो अगले दो मंत्र में अनुपहित उपाधि रहित शुद्ध ब्रह्म को प्रदर्शित करते हैं अगले दो मंत्र। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। जो एक है, दीप्यमान है, सब भूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, सब भूतों की अंतरात्मा है, सबके कर्मों का ऑब्जर्वर है, सर्वभूतादिवास सब में रहने वाला है, साक्षी है, चैतन्य है, केवल है और गुण रहित है। इति सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। ये उपनिषद का है, वो श्वेता श्वेतर का था। तो सपर्यगात मतलब जो सर्वव्यापी है, शुक्र माने जो दीप्तिमान है, भामती उसको दीप्तिमान कह रहे हैं, शुक्रम दीप्तिमत। अव्रण अव्रणम का अर्थ भामतिकार ने किया दुख रहितम, अस्नाविरम अविगलितम अविनाशी इति यावत। तो अस्नाविरम का स्नायु इत्यादि जिसमें नहीं है, उसका अर्थ इन्होंने ये कर दिया है कि जो अविनाशी है। शुद्धम अपाप विद्धम, जो शुद्ध है और जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। पाप का मतलब यहाँ अशुद्धि ले लिया जाए। ओके। इति चैतौ मंत्रा वनाधे आतिशयताम नित्य शुद्धताम च ब्रह्मणो दर्शयतः। ये दो मंत्र ब्रह्म को एक तो ये बताते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का अतिशय का आधान नहीं किया जा सकता, वो अपने आप में पूर्ण है, नित्य शुद्ध है। तो अनाधे अतिशयताम, अनाधे अतिशय जिसमें नहीं है, यानी अतिशय जिसमें नहीं ऐड किया जा सकता। और क्योंकि उसमें अतिशय को जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए आगे चल के ना ब्रह्म भावस्य मोक्ष और तस्मा न संस्कारियो भी मोक्ष, ये कहना चाहते हैं कि मोक्ष संस्कारीय भी नहीं है। पहले सब हो गई थी कि विकारी इत्यादि नहीं है, यहाँ पर संस्कारीय भी नहीं है मोक्ष, ये बताने के लिए ये दो मंत्रों को यहाँ पर कोट किया है। तस्मान न संस्कारियोपि मोक्षः। और इससे ये कहना चाहते हैं भी किसी भी प्रकार से क्रिया का प्रवेश उसमें नहीं है। अतो अन्यन मोक्षम प्रति, इससे भिन्न कुछ और ऐसा नहीं है जो मोक्ष के प्रति जो क्रिया का प्रवेश द्वार बन सके। अतो अन्यत मोक्षम प्रति क्रियानुप्रवेश द्वारम न शक्यम केंचित दर्शयितुम। अतो अन्यत मोक्षम प्रति
क्रियानुप्रवेश द्वारम न, यानी क्रिया का प्रवेश कुछ और प्रकार से, यानी कि निर्वर्त्य होने के कारण क्रिया का प्रवेश हो सकता है, विकारी होने के कारण हो सकता है, संस्कारी होने के कारण हो सकता है, इससे अतिरिक्त कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें क्रिया का प्रवेश दिखाया जा सके। फिर सर जो आपने साइको जो कहा ना, ये साइको फिजिकल एलिमेंट बड़ा इंटरेस्ट, साइको फिजिकल शब्द कहा ना पहले के दो मंत्रों में, साइको फिजिकल ऑर्गेनिज्म कहता हूं मैं अक्सर। हाँ, ऑर्गेनिज्म। हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर कि आयुर्वेद में भी जो उपचार के लिए जिस पुरुष की बात करते हैं ना, वो पुरुष भी इसी रूप में है, वो कोई जो है ना शुद्ध आत्म तत्व वहां भी नहीं है, वहां पर भी जो इलाज के लिए जो चीज है ना, उसको वो फिजिकल और जो मेंटल दोनों चीजों का कॉम्बो के रूप में ना पर्सनालिटी, वो तो इसमें आया भी था ना पहले। हाँ। जैसे ये जो 127 पेज पे नहीं आया ना, यथा देहाश्रय चिकित्सा निमित्त संगत से तद अभिमानी न, संगत का ही होता है वो तद अभिमानी न आरोग्य फलम अहम आरोग्य इति यत्र बुद्धिर उत्पद्यते। जब अहम आरोग्य वो कह रहा है तो वो संगत यानी वो आइडेंटिफिकेशन के बाद ही है ना। आगे हाँ, ये भी तो है ना सर कि उपचार उपचार रूप क्रिया का भी संबंध उसके साथ नहीं हो सकता है, इसी वजह से वो आत्मा का प्रसंग ले आते हैं आयुर्वेद में भी ना। हाँ हाँ लाते हैं वो तो, या प्रमाता तक की बात को वो कह रहे हैं कि प्रमातृत्व भी अविद्या के बिना नहीं हो सकता। हाँ, ये तो बड़ी दूर की बात है। तस्मात् ज्ञानमेकं मुक्त्वा क्रियाया गंधमात्रस्यापि अनुप्रवेश इह नोपपद्यते। इसलिए ज्ञान को छोड़ करके क्रिया का लेश मात्र भी यहाँ पर प्रवेश नहीं युक्ति संगत बैठता। अब पूर्व पक्षी कहता है तो फिर यार क्रिया आप ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया, ज्ञान को आप मानसिक क्रिया मान लीजिए। तो सिद्धांत ही कहता न वैलक्षण्यात् कि इनमें ज्ञान में और मानसिक क्रिया में विलक्षण है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखो देने की बात है कि ये सर ज्ञान को एक मेंटल एक्टिविटी मानने वाला जो पक्ष है वो भट्टों का है ना। क्या मेंटल एक्टिविटी ये भी मानते हैं, ये भी मान रहे हैं मेंटल एक्टिविटी तो वो है, लेकिन कैसी मेंटल एक्टिविटी? उस मेंटल एक्टिविटी को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी जो पुरुष व्यापार के अधीन हो और पुरुष तंत्र हो। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मेडिटेट ऑन द सन, तो यू आर फ्री टू मेडिटेट और नॉट टू मेडिटेट, ये पुरुष तंत्र। एक तो ज्ञान गुण रूप है, एक ज्ञान को क्रिया रूप भी कहते हैं ना, जब आत्मा का स्वरूप बताते हैं भाट लोग शायद उसमें वो लोग कहते हैं वो जो मेंटल एक्टिविटी है ना, वो मेंटल जो भी मॉडिफिकेशन तो होगा ही माइंड में, कुछ ना कुछ ज्ञान जब होगा ना बाहर से जब हम कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो ज्ञान है ये भी एक प्रकार का मेंटल एक्टिविटी है। उसके लिए इन्होंने दो बातें कह दी यहाँ पर। अब आगे दूसरी बात क्या कह रहे हैं वो, कि दूसरी मेंटल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, प्रमाणाधीना वस्तु तंत्राच। तो न्यायिक लोग जब ज्ञानाधिकरण आत्मा कहते हैं सर, न्यायिक लोग जब ज्ञानाधिकरण आत्मा कहते हैं तो जिस ज्ञान के का अधिकरण आत्मा को बता रहे हैं तो वह ज्ञान गुण रूप है उनके यहाँ, और भट्ट लोग जब ज्ञानाधिकरण आत्मा कहते हैं तो उनके यहाँ वो ज्ञान क्रिया रूप है, ऐसा है ना। हाँ, और दोनों कहते हैं ज्ञान अधिकरण आत्मा, परंतु उनके यहाँ ज्ञान क्रिया रूप कहते हैं ये इसको क्रिया। हाँ अच्छा, अब ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही है ना, जो मैंने दो भेद बताए, एक पुरुष चित्त व्यापाराधीन और पुरुष तंत्र, और दूसरा प्रमाणाधीन और वस्तुतंत्र। इन दोनों से ही भेद पता लग जाएगा, हालांकि दोनों ही एक प्रकार से हमारे अंतःकरण का परिणाम हैं, पर एक ज्ञान ऐसा है जो जब उसके सारी प्रमाण सामग्री उपलब्ध होती है तो वो हो जाता है, हो
जाता है। और दूसरा ऐसा है कि जिसको हमें हम करते हैं, जैसे मेडिटेशन की बात मैंने बताई, और यदि हम कहीं जो किसी पुष्प को देख रहे हैं और सारी प्रमाण सामग्री इन प्लेस है, तो वो ज्ञान हो जाएगा उसका, इसमें हमें व्यापार नहीं करना पड़ेगा। जैसे गंध इत्यादि की बात करते हैं हम लोग कि भाई गली में घुसते हमको गंध ऐसी आ रही है, तो वो प्रमाणाधीन है और वस्तुतंत्र है ज्ञान। और दूसरा ये कि मैं जैसे ध्यान लगाओ, आगे ये बात बताएंगे इसको, और बड़ा थोड़ा सा बारीक भेद भी है, और वो आप सब लोग उसमें सहायता करेंगे मेरे को भी समझने में, कि क्रिया ही नाम वैलक्षण्यात्, क्रिया ही नाम सा यत्र जिस वस्तु स्वरूप निरपेक्ष चोद्यते पुरुष चित्त चित्त व्यापाराधीना। क्रिया वह है जो यत्र माने जिस विषय में वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा बिना किए ही जिसका जिसको प्रेरित किया जाता है, जिसका विधान किया जाता है। और वस्तु स्वरूप निरपेक्षा यानी कि वस्तु के यानी रियल जो एंटिटी है या ऑब्जेक्ट है उसके नेचर को बिना ध्यान में रखे हुए जिसको हम विहित करते हैं, जिसका विधान करते हैं, वो क्रिया है। और पुरुष चित्त व्यापार अधीना, और पुरुष चित्त का जो व्यापार उसके अधीन है, यानी पुरुष के व्यापार के अधीन है वो। जैसे यस्यै देवतायै हविर्गृहीतम् स्यात् ताम मनसा ध्यायेत वशट करिष्यन्, कि जिस देवता के लिए हवि रखी हुई है उसी देवता को मन से ध्याये होता वशट करिष्यन्, वशट करते हुए, वशट यही आहुति इत्यादि के लिए शब्द है। तो यहां पर देखो ध्यायेत, ध्यायेत मनसा ध्यायेत, उस देवता का ध्यान करे वो जिसके लिए हवि दी जाने वाली है, जिसके लिए हवि का ग्रहण किया हुआ है, उसको मन से ध्याये वशट करते हुए। अब यहां पर ध्यायेत जो ये क्रिया है, ध्यान क्रिया है, इस ध्यान क्रिया में देवता का स्वरूप अपेक्षित नहीं है। और वैसे भी मीमांसा इत्यादि में देवता का क्या स्वरूप है इसके ऊपर मीमांसा दर्शन में है कि देवता का विग्रह तो होता नहीं, वेदांती तो मानते हैं कि विग्रह होता है पर मीमांसक नहीं मानते। और दूसरी बात यह कि उस जो फोकस है ध्यान पर, वो ध्यान क्रिया पे फोकस है न कि देवता के स्वरूप पर। तो जहां पर वस्तु स्वरूप की वस्तुई जिस जिसका जिसके लिए हमने ध्यान क्रिया विहित की है उसमें उस ऑब्जेक्ट के रियल फॉर्म की अपेक्षा नहीं है, और ध्यान क्रिया पर वहां पर फोकस है कि ध्यान किया जाए, और ध्यान ऐसा है जो करने से पहले तो प्राप्त है नहीं, विधान के बाद होगा वो, और फिर उसमें हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम वो ध्यान करें या ना करें। अच्छा सर, स्वरूप ही नहीं होगा तो ध्यान होगा कैसे? हाँ यही तो बात है मिथिली जी, इसी को ध्यान देना कि वो स्वरूप जो है ना ऑब्जेक्टिवली ऑन्टोलॉजिकली गिवन हो जरूरी नहीं है। हाँ जैसे मैं ये कहता हूं कि भाई पुरुष में अग्नि का ध्यान आप कीजिए, अब पुरुष में जब अग्नि का ध्यान कर रहे हैं आप तो अग्नि कल्पित है वहां पर। कल्पित तो है लेकिन अग्नि का एक स्वरूप तो है ना। अग्नि का स्वरूप वहां उसकी जरूरत नहीं है ना, अग्नि का स्वरूप उसके उसके उसमें आग रखोगे क्या पुरुष में? नहीं, अग्नि की तरह वो प्रज्वलित है ना। हाँ, अग्नि की तरह तो एक सामान्य सा ज्ञान है कल्पना में आपके। जी जी, उसका आप ध्यान करने की बात कर रहे हैं, वहां पर एग्जैक्ट उसका नेचर है वो नहीं है। वो आता है ना फिर वो साधका नाम हितार्थाय ब्रह्मणो रूप कल्पना। तो ये मूर्ति पूजा के फेवर में यही वो दिया जाता है
कि भाई मूर्ति जो है वो उसके ध्यान करने में आपकी सहायक होती है। हाँ हाँ हाँ, ध्यान करने में सहायक होती है तो वो, और इसीलिए वो सारा जो देवी के जो ध्यान श्लोक हैं, वो जो वस्तु वस्तु का अर्थ होता है रियल, रियल उसका नेचर वहां पर उसकी अपेक्षा नहीं है। अग्नि की, अग्नि का जो रियल नेचर है वहां पर नहीं अपेक्षित है, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि उस क्रिया के ऊपर फोकस है, उस स्वरूप पे फोकस नहीं है। जगुरु जी, ये शंकराचार्य जी चूंकि वेदांति हैं और ये मीमांसकों का पक्ष लेकर के उनको जवाब दे रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ये तो इनका देवता का स्वरूप नहीं होता है जैसा कि आपने कहा, ये वेदांतियों को संगत नहीं है। फिर भी तो ये देवता का स्वरूप हो भी तभी वो वहां पर स्वरूप माने स्वरूप स्वरूप माने विग्रह नहीं होता है ऐसा। हाँ, विग्रह नहीं होता है, स्वरूप तो कुछ ना कुछ होगा है, विग्रह नहीं है। हाँ, शब्दमय होते हैं ऐसा मानते हैं क्या वो? ऐसा भी कहते हैं ना सर, जब जैसे अग्नि मंत्र स्वरूप में मान लेंगे उसको। हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है कि मीमांसक नहीं मानते हैं जो आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल इसके उल्टा जो अद्वैत वेदांति हैं वो देवताधिकरण देवताधिकरण है ना इनके यहाँ। हाँ, उसमें विग्रह उसमें सस शरीरत्व का ही प्रतिपादन किया गया। हाँ, वो वेदांत में तो किया ही है। हाँ, तो वेदांत में तो विग्रह मानते हैं, उसका विषय यही है सर। वेदांत में तो व्यावहारिक सत्ता, वो देवता की भी मानेंगे, भूत की भी मानेंगे, सबकी मानते हैं अगर व्यावहारिक है तो। यहाँ पर तो, यहाँ पर देखो इस पे ध्यान करो, जैसे मिथिलेश जी ये कह रहे हैं कि भाई बिना वस्तु के स्वरूप के पहचाने आप ध्यान कैसे करोगे। तो जब ध्यान करने की बात, जैसे मैं ये आगे आ रहा है कि पुरुष में अग्नि का ध्यान कीजिए आप, पुरुष और अग्नि में तो वैपरीत्य है ना, तो वहां पर जब आप अग्नि का ध्यान करोगे तो अग्नि एक सामान्य रूप से आपके कॉन्सेप्चुअल अग्नि है, उस अग्नि का ध्यान आप वहां करोगे। ऐसा नहीं कि वास्तव में जो अग्नि हो उसको वहां पर ध्यान रहे हो आप। एक सामान्य जो अग्नि का रूप है ऐसा लेकर के हम बात कर सकते हैं, रियल अग्नि नहीं, कल्पित अग्नि जिसको हम कह सकते समारोपित अग्नि, अग्नि वहां पर समारोपित हो रही है, वो समारोप वो रियल नहीं है, उसका एक कंसेप्चुअल रूप है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। हालांकि वो कंसेप्चुअल रूप भी अग्नि को लेके ही है किसी रूप में। ये भी तो हमें साथ में ये मानते चलना पड़ेगा कि हमारे जो भारतीय चिंतन है वैदिक चिंतन, उसमें अग्नि का तीनों रूप है, आध्यात्मिक भी है, आदि भौतिक भी और आदि दैविक भी है। तो आदि भौतिक अग्नि ही अग्नि नहीं होती है, इसलिए वो कॉन्सेप्चुअल एक लेवल पे तो मानना ही पड़ेगा अंत में आपको। नहीं, वो यार उसकी ऐसी बात समझो ना, आप जैसे अनुमान जब आप करते हो पर्वतो वन्यमान धूमान, तो जो वन्नी का आपको ज्ञान हुआ है वो आप उसको रियल मान रहे हो कंसेप्चुअल मान रहे हो, वो तो सामान्य प्रत्यय होता है, सामान्य प्रत्यय है बस। हाँ, सामान्य प्रत्यय, रियल विशेष हो ही नहीं सकता, जबकि नॉलेज का रियल इनफरेबल है वो बस। सामान्यावधारण प्रधाना, हाँ वो तो योग में भी कहते हैं सामान्यावधारण प्रधाना वृत्ति। और ध्यान की जो क्रिया, ध्यान की क्रिया चूंकि मानसिक है इसलिए जिस तरह से स्पर्श की क्रिया के लिए वस्तुभूत अग्नि की आवश्यकता होती है, वैसी आवश्यकता ध्यान, जैसे स्पर्श इत्यादि की क्रिया के लिए वस्तुभूत अग्नि की आवश्यकता होती है, उस तरह से आवश्यकता भी नहीं है ध्यान नहीं है वास्तविक अग्नि की। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए ये कहा इसमें कि उस वस्तु स्वरूप की अपेक्षा किए बिना जिसका विधान किया जा रहा है वो क्रिया है। और सर ये आपकी बात इससे भी प्रमाणित होती है कि जैसे अग्नि आदि में तो हम चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए रूप आदि की कल्पना आवश्यक मान रहे हैं ना, जैसे कई बार शब्दों का भी ध्यान करते हैं ना, जैसे लता मंगेशकर की आवाज, तो वहां तो रूप है नहीं,
फिर भी आप ध्यान कर सकते हैं कि वो कैसा बोलती है। हाँ, अंदाजे लगा ही सकते हैं। हाँ, तो शब्द रूप भी हो सकता है, रूप 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 भी हो सकता है, स्पर्श वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे। स्वाद का भी स्मरण होता है, ध्यान कर सकते हैं स्वाद का भी। लेकिन जो स्वाद का भी स्मरण होगा तो वो आप मेंटली उसको हाँ बिल्कुल कंसीव कर रहे हैं। ठीक है सर, वो मतलब ये है कि आरोपित करके उस पर तब किया जाए, उसका स्वरूप जो आपके पास सामने है या नहीं है, लेकिन आरोपित स्वरूप है। हाँ, वो वही मैं कह कंसेप्चुअल स्वरूप है। ठीक है। अच्छा, ये अच्छा संध्याम मनसाध्याय इस प्रकार। अब ध्यान क्रिया जो है वो कैसी है, वो पुरुष व्यापार अधीन है और पुरुष तंत्र है, इसलिए ये क्रिया है। इति चैवम आदिशु ध्यानम चिंतनम यद्यपि मानसम मानसम तथापि पुरुषेण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम पुरुष तंत्रत्वात्। ज्ञानम तु प्रमाणजन्यम, ज्ञान प्रमाणजन्य है और प्रमाण होता है यथा भूत वस्तु विषयम, यानी ये जो है वो जब ज्ञान का विषय बनेगा तो वहां पर उसके वस्तु स्वरूप की अपेक्षा है। ज्ञान का जब विषय बनेगा वो ध्यान में अपेक्षित नहीं है, इसलिए प्रमाण अधीन है ना वो जो ज्ञान प्रमाण अधीन है और वस्तु तंत्र है उसमें वस्तु के स्वरूप की आवश्यकता है, अपेक्षा है, इसलिए अतो ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम व अन्यथा व कर्तुम अशक्यम केवलम वस्तु तंत्रमेव न चोदना तंत्रम और नापि पुरुष तंत्रम। तो ज्ञान जो है वो चोदना तंत्र विधान का विषय भी नहीं होता और पुरुष के अधीन भी वो नहीं होता, इसलिए ज्ञान का ज्ञान मानस होने पर भी, यानी तस्मात् मानसत्वेपि ज्ञानस्य महद वैलक्षण्यम, ज्ञान का मतलब जो ज्ञान क्रिया रूप जो ज्ञान है और जो ज्ञान जो प्रमाणाधीन है वस्तु तंत्र है उसमें इन दोनों में बहुत अंतर है। एक और उदाहरण दे रहे हैं, यथाच पुरुषो वाव गौतम अग्नि, पुरुष हे गौतम पुरुष भी में भी अग्नि का चिंतन करो, योषा बाब माने स्त्री में भी अग्नि का चिंतन करो। हाँ लगा जा, हाँ ठीक है ठीक है। इत्यत्र योषित पुरुषयो अग्नि बुद्धि मानसी भवति, यहाँ स्त्री और पुरुष में जो अग्नि बुद्धि है मानसी है और ये जो है ये केवल चोदना जन्यत्वात् क्रियैव सा पुरुष तंत्रा, क्योंकि विधान इसका किया हुआ है इसलिए वो क्रिया वो बुद्धि मानसी बुद्धि उत्पन्न हो रही है, वो मानसी बुद्धि जब उत्पन्न हो रही है पुरुष तंत्र है वो, यहां पर ये पुरुष तंत्र है। लेकिन या तो प्रसिद्ध अग्नौ अग्नि बुद्धि, प्रसिद्ध अग्नि में जो अग्नि बुद्धि है वो चोदना तंत्र नहीं है, वो पुरुष के अधीन नहीं है, सा न सा चोदना तंत्रा नापि पुरुष तंत्रा। किम तरही प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्रैव, और वो प्रसिद्ध अग्नि में जो अग्नि बुद्धि है वो अग्नि बुद्धि क्रिया नहीं है, क्योंकि वो अग्नि बुद्धि प्रमाणाधीन है, क्योंकि वो अग्नि बुद्धि वस्तु तंत्र है, प्रत्यक्ष विषय उसमें जरूरी चाहिए, उसका वास्तविक स्वरूप वहां पर होना चाहिए तभी उसका वो अग्नि बुद्धि हो रही है। प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्रैव एति ज्ञानम एव एतन न क्रिया, वस्तु तंत्र होने के कारण वस्तु का प्रत्यक्ष विषय विशेषण कर दिया, प्रत्यक्ष विषय भूत जो वस्तु है उसके अधीन ही है वो ज्ञान, इसलिए वो क्रिया नहीं है। एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तुषु वेदितव्यम, सब प्रमाण की विषय वस्तुओं के बारे में ऐसा समझना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है सर, और डिफरेंस इम्पोर्टेंट है।
और थोड़ा डिफिकल्ट भी है समझना कि भाई जिसका विधान नहीं किया गया है, हाँ, बल्कि जो अपने आप से जो ज्ञान हो रहा है वो क्रिया नहीं है, जिसका विधान किया है और आप प्रयास करके उसको ध्यान करते हो वो क्रिया है, वो क्रिया है। इसलिए मानस होने पर भी दोनों में भेद हो गया ना। जी जी तत्रैवं सति यथाभूत ब्रह्मात्म विषयमपि ज्ञानम न चोदना तंत्र। इसलिए यथाभूत वो ब्रह्म जो आत्मा है, अर्थात ब्रह्म आत्म स्वरूप ब्रह्म जिस ज्ञान का विषय बनता है वो ज्ञान भी चोदना तंत्र नहीं है। इसलिए यहाँ पर उपासना इत्यादि का कोई स्कोप नहीं है, यही कहना चाहते हैं शंकर। तद विषये लिंगादयः श्रूयमाणा अपि अनियोज्य विषयत्वात् कुंठी भवन्ति उपलादिषु प्रयुक्त क्षुरतैक्षण्यादिवत् अहे अनुपादेय वस्तु विषयत्वात्। कि ये लिंगादि जो फिर भी जो जिनका श्रवण होता है, आत्मा वारे दृष्टव्य आत्मानम उपासित इत्यादि जो उपनिषदों में आता है, तो वो अनियोज्य विषयत्वात् क्योंकि उसका कोई नियोज्य विषय नहीं होता। ये थोड़ा क्लियर होगा आगे भामती में। तो नियोज्य विषय न होने के कारण ये जो श्रूयमाण लिंग इत्यादि प्रत्यय हैं या तव्यत इत्यादि प्रत्यय हैं, ये कुंठी भवंतु माने ये बिल्कुल कुंठित हो जाते हैं, अर्थात तो प्रभावहीन हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रभावी हो जाते हैं जैसे जो छुर है, छुर की जो तीक्ष्णता है, यदि हम उसको पत्थर पर मारें तो पत्थर पर उस तीक्ष्णता भोंटी हो जाएगी, कुंठित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से नियोज्य विषय न होने के कारण जो श्रूयमाण लिंग आदि हैं वो भी कुंठित हो जाते हैं, अर्थात प्रभावहीन हो जाते हैं, क्योंकि उन लिंग आदि का विषय क्या है, अहेय अनुपादेय वस्तु है। उन लिंग इत्यादि यानी आत्मानम उपासित, आत्मा क्या है, अहेय अनुपादेय वस्तु है। और क्रिया के लिए हमको ऐसी वस्तु चाहिए होती है जो हेय और उपादेय हो, जिसमें जिसमें से कुछ छोड़ा जा सके, कुछ लिया जा सके। परंतु ब्रह्म या आत्मा अहेय अनुपादेय है, इसलिए उसके उसके संबंध में कोई क्रिया होगी नहीं। तो क्रिया जब होगी नहीं तो कर्ता भी नहीं होगा, कर्ता जब नहीं होगा तो अधिकारी भी नहीं होगा, अधिकारी नहीं होगा तो नियोज्य भी नहीं होगा। तो अहे अनुपादेय विषय के होने के कारण क्रिया नहीं हुई, क्रिया नहीं हुई तो कर्ता नहीं हुआ, क्योंकि क्रिया जब मेरी होगी तो कोई वस्तु या तो हे हो या उपादेय हो, और यदि क्रिया अहे और अनुपादेय है तो मेरी क्रिया नहीं होगी। कोई क्रिया क्रिया के अभाव में कर्तृत्व नहीं होगा, कर्तृत्व नहीं होगा तो सामर्थ्य वगैरह भी उसमें कैसे देखिए, अधिकारी भी नहीं होगा, अधिकारी नहीं होगा तो नियोज्य भी नहीं होगा। इसलिए नियोज्य न होने के कारण जो श्रूयमाण लिंग आदि हैं उनसे जो विधान हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है वो सब प्रभावहीन हो जाता है। जैसे उस रेजर का, रेजर की तीक्ष्णता पत्थर पर मारने पर प्रभावहीन यानी कुंठित हो जाती है। किमर्थानि तर्हि आत्मा वारे अर्द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादीनि विदिच्छायानि वचनानि। एक बार हम पहले कर लेते हैं फिर दोबारा भामति के साथ भी कर लेंगे, थोड़ा एक टॉपिक पूरा हो जाए। किमर्थानि तर्हि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादीनि विदिच्छायानि वचनानि। तो ये आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य आत्मानं उपासित इत्यादि जो वाक्य हैं, ये वाक्य ये विधि स्वरूप है, विधि नहीं है, ये विधि जैसे हैं। तो फिर इनका प्रयोजन क्या है, तो फिर सिद्धांती इसका प्रयोजन बताता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानी।
हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है विषय के प्रति, उससे विमुख करने के लिए है ये स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणानी करणार्थानी इति ब्रूमा, कि जो हमारा एक नेचुरल आउटगोइंग जो टेंडेंसीज हैं, वो नेचुरल आउटगोइंग टेंडेंसीज को विदहोल्ड करना और फिर उसको अंदर की तरफ मोड़ना, ये इन विधि सदृश वाक्यों का प्रयोजन है। क्योंकि यो ही बहिर्मुख प्रवर्तते पुरुषः इष्टम में भूयाद अनिष्टम मा भूतिति न च तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभते। जो व्यक्ति बहिर्मुख होता है, इष्ट वस्तु के प्रति उसका आकर्षण होता है, अनिष्ट के प्रति वो द्वेष रखता है, तो वहां पर उसको आत्यंतिक पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। और जो आत्यंतिक पुरुषार्थ माने ब्रह्म मोक्ष इत्यादि, आत्यंतिक पुरुषार्थम वांछनम, जो आत्यंतिक पुरुषार्थ का इच्छुक है, स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचराद विमुखीकृत्य, जो स्वाभाविक कार्यकरण संघात है हमारा, ये जिसको साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म कह रहा हूं मैं, इसकी जो प्रवृत्ति होती है स्वाभाविक, उससे विमुखीकृत्य माने उससे उसको विमुख करके प्रत्येक आत्म स्रोतस्तया, प्रत्येक आत्मा की तरह उसको प्रवृत्त करते हैं आत्मा व अरे द्रष्टव्य इत्यादि ने वाक्यानी, ऐसे वाक्य उसको बहिर्मुख, उसकी बहिर्मुखता को हटा करके उसको अंतर्मुख बनाते हैं, ये इन विधि सदृश वाक्यों का प्रयोजन है, ये सिद्धांती कह रहा है। इस अब हम चलते हैं भामती पर। अनुपेत तो ये हो गया, अनुपेत शुद्ध स्वभाव ब्रह्म प्रदर्शन पर मंत्र पठती एको देव इति शुक्रम दीप्तिमत अव्रणम दुख रहितम स्नाविरम अविगलितम अविनाशी इति यावत उपसंहरती। और उपसंहार ये कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं उपसंहार? कि भाई अतो अन्यत मोक्षम प्रति क्रियानुप्रवेश द्वारम न शक्य किंचिदपि किंचिद दर्शयितुम, ये इनका उपसंहार हो गया एक प्रकार से, कि उसमें क्रिया हो नहीं सकती, वो क्रिया उपासना इत्यादि का विषय बन नहीं सकता इत्यादि। ननु मा भूत निर्वर्त्य कर्मता चतुष्टयी, मा भूत सर मैं बीच में एक मिनट टोक रहा हूँ सर, हाँ। ये जो मंत्र का इन्होंने अर्थ किया है आचार्य वाचस्पति ने, हाँ। शुक्रम दीप्तिमत ये तो ठीक है, अव्रणम दुख रहितम या अस्नाविरम अविगलितम आदि, ये मुझे लग रहा है कि ओवर एक्सटेंडेड मीनिंग नहीं है, जो मूल से माने निकल नहीं रहा, जबकि मुझे ध्यान आ रहा है ये जो शंकराचार्य ने स्वयं अर्थ वहां पर किया है ना, बहुत अच्छा किया है वो उससे ये भिन्न अर्थ है। हाँ भिन्न अर्थ है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भिन्न अर्थ है, मैं उसको नहीं ले रहा। अच्छा ठीक है, मैं इसको वो भिन्न अर्थ है जहाँ शंकराचार्य जी ने अर्थ किया, बिल्कुल अलग है इससे, ये भामतिकार कर रहे हैं अपने ढंग से। अब ये कह रहे हैं कि भाई तस्मात के बाद कि भाई इसमें क्रिया तो हो नहीं सकती, तो वो कह रहे हैं पूर्व पक्षी कह रहा है मा भूत निर्वर्त्यादि कर्मता चतुष्टयी, ये जो कर्मता चतुष्टयी है निर्वर्त्य विकार्य प्राप्य और संस्कारी, ये जो चार प्रकार की कर्मता है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इन चार प्रकार के कर्मों से कोई पांचवें प्रकार का कर्म मान लो आप, पंचमी तो काचिद विदा भविष्यति, ऐसी पांचवी कर्मता कोई मान लो जिससे मोक्ष भी कर्म बन जाए, यथा मोक्षस्य कर्मता घटिष्यते इति इत्यतः आ, इसको वो मना कर रहे हैं कि अतो अन्यत् मोक्षम प्रति क्रियानुप्रवेश द्वारम न शक्यम किंचित दर्शयितुम, तो ये कहना चाह रहे हैं कि एभ्य प्रकारेभ्यो न प्रकारांतरम अन्यदस्ति, इन प्रकारों से इन चार प्रकार की कर्मता से भिन्न कोई और कर्मता नहीं हो सकती जिससे मोक्ष में क्रिया का प्रवेश हो जाए।
जी ये जो काचित विधा है नीचे, वो तो वो एक शब्द होना चाहिए ना उसको, कौन सा ये बहुव्रीही समास पंचमी तु काचित विधा भविष्यति। हाँ तो एक शब्द होना चाहिए क्योंकि ये बहुव्रीही समास कोई कोई विशिष्ट कोई अज्ञात विधा वाली पंचमी पंचम प्रकार का कर्म कोई, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है क्योंकि पांचवी विधा होगी उसको भी ले सकते हैं हम। अच्छा अच्छा हाँ, उसमें पंचमी काचित विधा हाँ ऐसे ले सकते हैं बिना बहुव्रीही समास किए हुए जी। और अच्छा इसमें इस पे आइए आप ये चतस एतद उक्तम भवति, ये इसका अभिप्राय है, ये वाचस्पति जी का पेट वाक्य है ऐसा एतद उक्तम भवति। हाँ, ये मतलब है हाँ इसका ये मतलब है, ये वैसे तो इसका मतलब है ये कह दिया गया है पर इसका अभिप्राय यह है, ये निकल करके आया। हाँ ये निकल के आया। चतस्त्री नाम विधा नाम मध्य अन्यतमया, ये अन्यतमतया है यहां पर, त को यहां पर काट दीजिए आप। चतस्त्रीणाम विधानाम मध्य अन्यतमया क्रियाफलत्वम व्याप्तम, क्रियाफलत्व यहां पर व्याप्य है और अन्यतमा अन्यतमया क्रियया अन्यतमया विधया, यहां अन्यतमतया ऐसा पाठ है ये कह रहे हैं यार, जो अन्यतम तया है ना उसमें त को हटा दीजिए, ट इज टू बी स्ट्रक ऑफ, अन्यतमया विधया विधया आया। सत्यमूर्ति जी ठीक है सर, हाँ ठीक है कर लिख लिया मैं। हाँ मुझे त को हटा दो वहां से, अन्यतमया क्रिया फलत्वम व्याप्तम यानी यत्र यत्र अन्यतमा विधा या अन्यतमा क्रिया तत्र तत्र क्रिया फलत्वं वर्तते, ये इसकी व्याप्ति बनेगी, क्रिया यहां पर व्यापक है और क्रिया फलत्व यहां पर व्याप्य है। यत्र यत्र क्रिया फलत्वं तत्र तत्र अन्यतमा क्रिया, साच मोक्षाद व्यावर्तमाना, और क्योंकि वो क्रिया मोक्ष में नहीं है, मोक्षाद व्यावर्तमाना व्यापकानुपलब्ध्या, व्यापक की उपलब्धि नहीं होगी फिर, यदि क्रिया क्रिया व्यापक है ना, व्यापक की उपलब्धि न होने से फिर क्रिया फलत्व भी नहीं रहेगा, मोक्ष से क्रिया फलत्व व्यावर्तयति इति। साच मोक्षाद व्यावर्तमाना या पंचमी विधा यानी पंचमी क्रिया मोक्ष से हट गई, वो जब मोक्ष में वो है नहीं, मोक्ष में उसका अभाव है, पंचमी क्रिया का मोक्ष में अभाव हो गया, और जब क्रिया का अभाव हो गया तो व्यापक का अभाव हो गया, व्यापक अनुपलब्धियां, व्यापक की अनुपलब्धि से जो व्याप्य है क्रिया फलत्व तो वो भी उसका भी व्यावर्तन हो जाएगा। पॉइंट समझ आया ना, ये साचे मोक्षाद व्यावर्तमाना साचे साचे क्रिया साचे पंचमी क्रिया साचे पंचमी विधा मोक्षे न वर्तते, तो मोक्ष में यदि पंचमी विधा यानी पंचमी क्रिया नहीं है तो वो व्यापक का अभाव हो गया, व्यापक का अभाव होने से व्याप्य का भी अभाव हो गया, और हमने बताया कि व्यापक है यहां पर क्रिया और व्याप्य क्रियाफल, तो क्रिया के अभाव से क्रियाफलत्व यानी क्रियाफल का अभाव इन्फर हो जाता है। साच मोक्षाद व्यावर्तमाना व्यापकानुपलब्ध्या मोक्षस्य क्रियाफलत्वं व्यावर्तयति इति, तो फिर पूर्व पक्षी पूछता है तो तत् के मोक्ष क्रिया विनास्ति, तो मोक्ष में क्या क्रिया ही नहीं है कोई, तो फिर यदि क्रिया है ही नहीं तो वो है जो क्रिया का पक्षधर है, जो उपासना इत्यादि को उपनिषदों का अर्थ मानता है कि उपनिषद उपासना परक हैं, उनका ये मत है। तत् किं मोक्षे क्रिया नास्ति तथा च तदर्थानि शास्त्राणि
तदर्थाश्च प्रवृत्तयो अनर्थकानी इत्यत उपसंहार व्याजेन आह तथाच तदर्थानी शास्त्राणी। तो तदर्थानी माने क्रियार्थानी शास्त्राणी। तो क्रिया वो जो कहा ना कि आमनायास्य क्रियार्थत्व नानर्थक्यम तदर्थानाम, वही वो मीमांसक ही कह रहा है कि इसलिए क्रियार्थक शास्त्र और तदर्थाश्च प्रवृत्तयो और क्रिया के लिए जो प्रवृत्ति इत्यादि हैं वो सब अनर्थक हो जाएंगी। अब यहाँ पर अनर्थकानी कहा है ना यहाँ, जबकि यहाँ पर तदर्थानी शास्त्राणि तदर्थाश्च प्रवृत्तयो हो अनर्थकानी, तो यहाँ पर वही है ना, नपुंसकम अनपुंसके एक पच्चान्य तरस्याम, नपुंसक शेष हो गया ना, इसलिए अनर्थकानी बहुवचन आ गया। ये पॉइंट है ना बलराम जी? हाँ। उपसंहार व्याजेन आह, उपसंहार करते हुए उस प्रिटेक्स्ट को लेकर के वो कहते हैं भाई चलो ज्ञानम, ऐसी बात है कि चलो तस्मा ज्ञानम एकम मुक्तवा क्रियाया, यही आ रहा है ना, ननु ज्ञानम, नहीं ये आ रहा है ननु ज्ञानम नाम मानसी क्रिया, ये तो वही पूर्व पक्षी जो क्रिया का पक्षधर है वही कह रहा है कि भाई ननु ज्ञानम नाम मानसी क्रिया, तो सिद्धांती उसको नकार रहा है, परिहर्ती न, ये प्रतीक आ रहा है ना यहाँ पर ननु ज्ञानम नाम मानसी क्रिया और उसके बाद परिहर्ती से प्रतीक आ रहा न वैलक्षण्यात। अब क्यों, तो सिद्धांति जवाब दे रहा है क्योंकि दोनों में विलक्षणता है। अब इस अर्थ को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अयम अर्थ सत्यम ज्ञानम ना ज्ञानम मानसी क्रिया न तो इयम ब्रह्मणि फलम जनयितुम अर्हति, पर लेकिन ज्ञान मानसिक क्रिया होने पर भी ब्रह्म में तो कोई फल उत्पन्न नहीं करती ये क्रिया, क्यों, क्योंकि ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है और जो ज्ञान मानसिक क्रिया है वो ब्रह्म में कोई फल उत्पन्न नहीं करेगी, यानी वो ब्रह्म का ज्ञान हो, यानी ब्रह्म ज्ञान का विषय बने, ब्रह्म ज्ञान का विषय बने, ब्रह्म में ज्ञातता का ज्ञातता प्राकट्य उत्पन्न हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए ये जो मानसिक क्रिया है ब्रह्म में फल उत्पन्न नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, तस्य स्वयं प्रकाशतया ब्रह्मण स्वयं प्रकाशतया विधि क्रिया कर्म भावानुपत्ते, विधि क्रिया का कर्म नहीं हो सकते ब्रह्म, विधि क्रिया कर्म भाव, विधि क्रिया का कर्मत्व अनुपपन्न है, इसलिए इसको मानसिक क्रिया भी हम नहीं मानते। तद एतस्मिन् वैलक्षण्ये स्थिते, इस विलक्षणता के रहने पर भी वैलक्षण्यांतरमाह, एक दूसरी विलक्षणता बता रहे हैं जिसपे हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली, क्रिया ही नाम सा, ये आ गया ना क्रिया ही नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्षैव चोद्यते पुरुष चित्त व्यापाराधीना च, क्रिया वो है जो वस्तु स्वरूप की अपेक्षा किए बिना जिसका विधान हो, यथा देवता संप्रदानक हविर्ग्रहणे, देवता संप्रदान जिनको हवि दी जा रही है वो देवता हैं, देवता संप्रदान है जिसके ऐसी हवि के ग्रहण करने पर देवता वस्तु स्वरूप अनपेक्षा, देवता वस्तु स्वरूप की बिना अपेक्षा के देवता ध्यान क्रिया का, देवता ध्यान क्रिया का विधान किया जा रहा है। एक तो ये बात बता दी, दूसरी वो योषित और पुरुष की बात कर रहे हैं, यथा वा योषिति अग्नि वस्तु अनपेक्षा अग्नि बुद्धि, स्त्री में अग्नि अग्नि वस्तु की बिना अपेक्षा के अग्नि बुद्धि, वो भी क्रिया है, सा क्रिया ही नाम इति योजना, इस प्रकार की है ये व्यवस्था है, दोनों बता दिए। एक वो कल्पित अग्नि योषित में उसका ध्यान करना और दूसरा
देवता संप्रदायिक हवि को जब हाथ में रखे हुए हैं हम, तो देवता ये जब उस देवता को हवि दे रहे हैं तो उससे पहले देवता का ध्यान करना वशठ करते हुए। जी ये जो वैलक्षण्य है वो करणीयता की अपेक्षा और अकरणीयता की मतलब करणीयता की अनपेक्षा इसी के कारण है ना, इसी के कारण मतलब जैसे जैसे हमें ध्यान करना है मतलब तो अग्नि है नहीं तो करणीयता की अपेक्षा है वहाँ, किंचित करणीयता है। अग्नि सामने है तो वहाँ आंखें देख रही हैं उसमें किसी तरह की करणीयता अपेक्षा नहीं है, तो वो ज्ञान हो रहा है वहां पर, उसमें हो जाता है वो ज्ञान। और यहाँ जब वो ज्ञान भी कर दिया है जी, वो ज्ञान क्रिया है लेकिन वो उसमें करणीयता की अपेक्षा नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करणीयता और अपेक्षा निरपेक्षता पर। हाँ बिल्कुल जी, इसमें कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम अशक्यम वो भी बात याद आता है। हाँ वो ही बात है, वो सारी बात बार बार कहते हैं शंकर। नहीं यस्य देवताई हविग्रहितम स्यात् ताम ध्यायत वशत करिष्यन् इस इत्यस्मात् विधे, इस विधि से पहले प्राग देवता ध्यानम प्राप्तम न कानवे यहां पर नहीं प्राप्तम, उससे पहले जब ये विधि है उस विधि से पहले देवता ध्यान प्राप्त नहीं है, तब ये विधान कर रहे हैं देवता ध्यान का, एक बात हो गई। तो यहां पर विधान का औचित्य है और विधान का अवसर है, परंतु वेदांत के प्रसंग में अब बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाला वाक्य है ये। प्राप्तम तु अधीत वेदांतस्य विदित पद तदर्थ संबंधस्य अधिगत शब्द न्याय तत्वस्य सदैव सोम्यदम इत्यादि तत्वमसि इत्यंतात् संदर्भात् ब्रह्मात्म भाव ज्ञानम शब्द प्रमाण सामर्थ्यात् वो प्राग देवता ध्यानम न प्राप्तम अपितु ब्रह्मात्म भावम ज्ञानम प्राप्तम। तो जो प्राप्त है उसका विधान कैसे होगा, वो प्राप्त कैसे उसको बता रहे हैं। जिसने वेदांत पढ़ लिया है और जिसको पद और उनके अर्थ के संबंध का ज्ञान है, और ये वाक्य के अर्थ को हम कैसे प्राप्त कर लें इन सिद्धांतों का ज्ञान है। विदित पद तदर्थ संबंधस्य पुरुषस्य अधिगत शब्द न्याय तत्वस्य, जिनको न्याय तत्व शब्द न्याय तत्व अर्थात शब्द के सिद्धांतों का किस प्रकार से ये आकांक्षा आसक्ति इत्यादि से वाक्य का ज्ञान होता है, ये सब न्याय तत्व सिद्धांत जिसको पता है, सदैव सौम्यदम इत्यादि से लेकर इस इत्यादि वाक्य से लेकर तत्वमसि जिसके अंत में है इस शब्द संदर्भ से ब्रह्म आत्म भाव ज्ञानम, यानी ब्रह्म आत्मा ब्रह्म और आत्मा एक है, ब्रह्म जीवात्मा ऐक्य, इसका ज्ञान हो जाता है शब्द प्रमाण सामर्थ्यात, शब्द प्रमाण के सामर्थ्य से। कैसे, उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सामर्थ्याद एव प्रणिहित मनस स्फीतालोक मध्यवर्ती कुंभानुभव, जैसे बिल्कुल प्रकाश के मध्य में रखा हुआ कुंभ है उसका अनुभव जैसे हो जाता है, किसको, प्रणिहित मनस है जिसका ध्यान लगा हुआ है उस कुंभ में, और साथ में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय के साथ उस कुंभ का संबंध हो गया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सामर्थ्याद, इंद्रिय के साथ कुंभ के सन्निकर्ष के सामर्थ्य से, और जिसका ध्यान उसमें है और कहीं अन्य मनस्क नहीं है बल्कि वहां प्रणिहित मन है, मना है उसका, जैसे स्फीतालोक मध्यवर्ती कुंभ का अनुभव जैसे हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मात्म भाव ज्ञानम प्राप्त है उसको जिसने वेदांत पढ़ लिया है। तो अब इसका जो ज्ञान प्राप्त हुआ है इसका विधान नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी प्राप्त है। और वहां पर जब हवि का ग्रहण किए हुए जब हम ये विधान किया जाए कि देवता का ध्यान करो, उस समय देवता का ध्यान विधि से पहले नहीं था, यहाँ पर वो ज्ञान प्राप्त है और वो ज्ञान प्राप्त नहीं है। तो जहां जो प्राप्त नहीं है वहां पर विधि का औचित्य है और विधि का अवसर है, और जहां पर प्राप्त है तो प्राप्त के लिए विधान की कोई जरूरत नहीं होती। ये दोनों का अंतर इन्होंने बता दिया।
क्योंकि न ही असौ स्वसामग्री बल लब्ध जन्मा सन, नहीं असौ 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 ये अनुभव के लिए आ रहा है, नहीं असौ अनुभव स्व सामग्री बल लब्ध जन्मा, अपनी सामग्री यानी प्रमाण प्रमाण सामग्री और स्वयं उसका अपने आप उपस्थित होना कुंभ का, उस सामग्री के बल से उत्पत्ति जिसकी हो गई है, स्व सामग्री बल लब्ध जन्मा सन, कह सन अनुभव अनुभव नहीं असौ अनुभव स्व सामग्री बल लब्ध जन्मा, तो उसमें स्व सामग्री क्या थी भाई, वेदांत पढ़ना, और वेदांत पढ़ करके उन पद और उनके अर्थों का ज्ञान करना, और फिर अर्थों का आपस में अन्वय करके उस वाक्य के अर्थ तक पहुंचना, ये सारी सामग्री उपलब्ध थी, उसको वो ब्रह्मात्म भाव ज्ञान प्राप्त है। और इसी प्रकार ये इसी को उसी अनुभव को ले रहे हैं, नहीं असौ स्व सामग्री बल लब्ध जन्मा अनुभव मनुज इच्छया अन्यथा कर्तुम अकर्तुम वा शक्य, पुरुष की इच्छा से वो अन्यथा करण और करना या अन्यथा करना उसके उसके सामर्थ्य से बाहर है। जैसे इस्फी तालोक मध्यवर्ती कुंभ का अनुभव हुआ, तो जब अनुभव हो गया तो उसका अकरण और उसका अन्यथाकरण संभव ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अद्वित वेदांत को ब्रह्मात्म भाव ज्ञान हो गया तो उसका भी अकरण और अन्यथाकरण संभव नहीं है। लेकिन देवता ध्यानवत देवता ध्यान की तरह, क्योंकि देवता ध्यान करे या ना करे इसमें हमारी स्वतंत्रता है, पुरुष तंत्र है, ये व्यतिरेक दृष्टांत है, हैं व्यतिरेक दृष्टांत है। येन अर्थवान अत्र विधि स्यात्, जिससे कि यहाँ पर यहाँ विधि अर्थवान हो, नचे उपासना, थोड़ा सा कठिन पंक्ति आई है ये, ध्यान देना इस पे, नचे उपासना अनु वा अनुभव पर्यंतता वा अस्य विधि गोचर विधेर गोचर तयोर अन्वय व्यतिरेक अवधृत सामर्थ्ययो साक्षात्कारे वा अनाद्य अविद्या अपनये वा विधिम अंतरेण प्राप्तत्वेन पुरुष इच्छया अन्यथा कर्तुम अकर्तुम वा अशक्यत्वात्। अब वो उसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि एक व्यक्ति जिसको ब्रह्म अनुभव की उत्कट इच्छा है, जो चाहे वो इस संसार से बिल्कुल विरक्त है, वैराग्य उसको वैराग्य की उसमें पराकाष्ठा है, वही जो बताया कि वे साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है, और जो ब्रह्म अनुभव करना चाहता है संसार से बिल्कुल विमुख होकर के, जब वो वेदांत श्रवण करता है तो उसके मन में फिर ये आता है, जिस ब्रह्म प्रमेय मान लीजिए उसको सुना उसने, और सुनने के बाद फिर उससे संशय इत्यादि को हटाने के लिए मनन भी उसका शुरू हो जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इतना डिवोटेड है और जो इतनी उस तरफ जिसने प्रपंच की असत्यता निरर्थकता का अत्यंत बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंस कर लिया है, और जो उस तरफ बढ़ रहा है, तो उसका मनन भी स्वतः ही होता है, और मनन के बाद जब वो बिल्कुल निश्चित हो जाता है तो निधिध्यासन भी प्रारंभ हो जाता है। निधिध्यासन भी उसका स्वतः ही, ये राम ये स्वामी महर्षि रमन का उदाहरण आप ले सकते हो, 17 साल की एज में जब उनको ये अचानक अनुभव हुआ कि वो मर रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर वो 4 साल तक, 17 साल की एज से लेकर के 21 साल की एज तक वो ब्रह्म ध्यान में ही लगे रहे, कुछ और किया ही नहीं। वो सारी प्रक्रिया ये मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार इत्यादि, ये सारी क्रियाएं घटती चली जाती हैं अपने आप। इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो उपासना है, उपासना और वो अनुभव पर्यंतता, उपासना का मतलब यहां पर निधिध्यासन से आप ले लीजिए, श्रवण मनन के बाद जो निधिध्यासन है,
और उस जब वो निदिध्यासन जब हो जाता है तो अनुभव पर्यंतता ये साक्षात्कार, तो ये जो चीजें हैं उपासना और अनुभव पर्यंतता, ये कहते हैं इसके लिए भी विधान की जरूरत नहीं है, ये अन्वय व्यतिरेक से इनका सामर्थ्य निश्चित हो जाता है। तयोर ये कहा ना, नहीं नच उपासना व अनुभव पर्यंतता व अस्य विधेर गोचर, विधि का वो विषय नहीं है उपासना और अनुभव पर्यंतता, क्योंकि वो अन्वय व्यतिरेक से ही अन्वय व्यतिरेक से ही वो उपलब्ध हो जाती है। जैसे हम कहते हैं भाई तुम उपासना करोगे तो आपका अंतकरण शुद्ध होगा और आपको ब्रह्म प्राप्ति होगी, उपासना नहीं करोगे तो नहीं होगा। इस अन्वय व्यतिरेक से ये चीज इनका सामर्थ्य हमको निश्चित हो जाता है। तयोर तयोर माने उपासना और अनुभव पर्यंतता, इन दोनों के लिए कह रहे हैं तयोर उपासना अनुभव पर्यंत तयो, अन्वय व्यतिरेक अवधृत सामर्थ्ययो हो साक्षात्कारे वा अनादि अविद्या अपने वा, साक्षात्कार में उपासना से साक्षात्कार और अनुभव पर्यंतता से अनादि अविद्या का अपनयन, ये कह रहे विधिम अंतरेण प्राप्तत्वेन, विधि के बिना ही ये प्राप्त है, इसमें पुरुष इच्छया अन्यथा कर्तुम अकर्तुम वा अशक्यत्वात्, पुरुष की इच्छा से इसका न करना और अन्यथा करना संभव नहीं है। ये बात समझ आई? बिल्कुल सर समझ में आ रही है, वो उसका अविना भाव ही है, ये होगी तो वो होना ही होना है, वो होना ही होना है। हाँ। और इसको जो है ना बहुत अच्छी तरह से भामतिकार ने समझाया 898 पेज पर, 898 पेज निकालो जरा, है ना किताब ऐसी सब पे सर? वो तो सेकंड वॉल्यूम में है। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेर अश्ववत्, इसमें तीसरी लाइन में आ रहा है, अपिच चतस्रः प्रतिपत्तयो ब्रह्मणि, बहुत अच्छी तरीके समझाया है भामतिकार, मैं पढ़ रहा हूँ मिथिलेश जी समझ में आ जाएगा वो आसान जी। अपिच चतस्रः प्रतिपत्तयो ब्रह्मणि प्रथमा तावत, पहली उपनिषद वाक्य श्रवण मात्राद भवति, पहली हो गई उपनिषद वाक्य श्रवण मात्राद भवति याम किला चक्षते श्रवणमिति, ठीक है ना मिथिलेश जी? ठीक है सर। प्रतिपत्ति का मतलब क्या, उपलब्धि क्या है? प्रतिपत्ति का मतलब उपलब्धि, ज्ञान माने, प्रतिपत्ति माने होता तो ज्ञान है, लेकिन यहाँ प्रतिपत्ति एक प्रकार से उपासना ही है। जी जी जी, उपासना के सोपान है ये बस। जी जी जी, वहां आता है ना प्रतिपत्ति विधि विषयता ना ब्रह्म समर्पिते, वहां उपासना विधि का विषय के रूप में ब्रह्म समर्पित नहीं है, यहाँ वहां प्रतिपत्ति ज्यादातर उपासना के रूप में लिया जाता है, वैसे प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान भी होता है। प्रथमा तावत उपनिषद वाक्य श्रवणात् श्रवण मात्रात् भवति याम किला चक्षते श्रवणमिति, द्वितीया मीमांसा सहिता मनन इत्यादि के साथ, यस्माद एव उपनिषद वाक्याद, और वो भी उपनिषद वाक्यों से ही होगी, मीमांसा सहित उपनिषद वाक्य से वो जो प्रमेय का संशय वो हट जाता है, ये याम आचक्षते मननमिति, ये दूसरा हो गया मनन। तृतीया चिंता संतति मई याम आचक्षते निदिध्यासनमिति, और जो लगातार चिंता होती है उसको निदिध्यासन कहते हैं। और चतुर्थी साक्षात्कारवती वृत्ति रूपा, और चतुर्थी जो ये उपासना का ही जो सोपान लास्ट है वो साक्षात्कार वृत्ति रूप है, जिसकी हमने पहले चर्चा भी कर ली थी शायद 89 पेज पर, नांतरियकम ही तस्या कैवल्यम, उसके बाद एकदम कैवल्य नहीं मोक्ष हो जाता है। अब ये कहने चाहते हैं कि तत्र आद्य तावत प्रतिपत्ति, आद्य का मतलब है श्रवण और मनन में, विदित पद तदर्थस्य विदित वाक्य गति गोचर न्यायस्य च पुंस उपपद्यते एव न तत्र कर्मापेक्षा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रवण मनन में कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। ते एव चिंतामयीं तृतीयां प्रतिपत्तिं प्रसुवाते
इति न तत्रापि कर्मापेक्षा, वहां पर भी कर्म की अपेक्षा नहीं। साचे आदर नैरंतरीय दीर्घकाल सेविता साक्षात्कार वतीम आदत्य एव प्रतिपत्तिम चतुर्थीम इति न तत्रापि अस्ति कर्मापेक्षा। तो यह कर्म की अपेक्षा ही नहीं है, इसलिए यहां पर यह कहा ये कि नच उपासना व अनुभव पर्यंतता व अस्य विधेर गोचर, विधि का विषय नहीं बनते, अन्वय व्यतिरेक से ही इनका सामर्थ्य पता लग जाता है। तो साक्षात्कार जब होता है तब वो, हाँ को कह रहे हो? मुझे एक, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ सर, कि श्रवण तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आपको भाषा के बोध का संस्कार है तो आपके सामने उपनिषद वाक्य आएगा तो आपको अर्थबोध होगा। मनन में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सर, हमारी इच्छा पर नहीं निर्भर है कि मनन में। इसीलिए मैंने महर्षि रमन का उदाहरण दिया ये, क्योंकि जो आदमी वो हमारे मस्तराम बाबा जी को तो खैर नहीं जानते आप, कि जिस समय आदमी वैराग्य के वैराग्य का उत्कट वैराग्य जब हो जाता है, दे फॉलो ईच अदर, मतलब ऐसे लगता है नेचुरली फॉलो कर रहे हैं वो। और साथ में यदि हम मान लो ये मान भी लें कि भाई मनन हमें बैठ के मनन करना चाहिए, मान लीजिए, तो ये उस तरीके से प्राप्त हो जाएंगी ना, विधि का विषय ये नहीं बनेंगी, अन्वय व्यतिरेक से प्राप्त हो जाएंगी, कि जो ऐसे बैठ के मनन करेगा उसको वो उपलब्ध हो जाएगा। अन्वय व्यतिरेक से तो प्राप्त हो गया ना सत्यमूर्ति। हाँ सर मैं बिल्कुल समझ, अन्वय व्यतिरेक से यदि हम मान लो, मैं उस महर्षि रमन के दृष्टांत को हटा भी लें, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो जिसको श्रवण हो गया उसकी रुचि प्रपंच में नहीं रही, तो वो सीधा सीधा वो फिर मनन में चला जाएगा, और जो श्रवण नहीं करेगा वो मनन भी फिर क्या करेगा। तो अन्वय व्यतिरेक से ये सब चीजें प्राप्त हो रही हैं। अच्छा अच्छा, अब जब अन्वय व्यतिरेक से प्राप्त हो रही हैं तो विधि का विषय नहीं बनेंगी। मैं सर ना इसको ऐसे भी समझ हम लोग सकते हैं कि किसी विषय में आपकी बड़ी रुचि हो ना गहरी, तो आपको सोने नहीं देती है, मतलब आप उस पर चिंतन शुरू कर ही देते हैं, वो एक तरह से स्पॉन्टेनियस शुरू कर देते नहीं है यार, हो जाता है, हो जाता है। हाँ, हो जाता है, ठीक है ठीक है, आपका शब्द सही है, हो जाता है, एफर्टलेसली होता है, हम बच ही नहीं सकते। बिल्कुल एफर्टलेसली होता है ये, बट डिपेंड्स अपॉन अबर ये हमारी मेंटल कंडीशन स्टेट क्या हो रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हो जाता है। सर दूसरी जिज्ञासा है ना कि ये 700 पेज जंप कैसे कर गए, मतलब आप जो है कैसे आपको ध्यान है कि यहाँ लिखा हुआ है ये अच्छा ये कैसे लगा भाई, मुझे देखना पड़ता है ना यार। नहीं, इनका कहना ये है कि आप इतनी दूर पहुंच कैसे गए नहीं वो भी भामती में, मूल में तो चलो समझ में आता है, भामती में कैसे पहुंच गए? नहीं भामती में वो कहां पर इन्होंने कहा ये पता लगाया मैंने। चलो सर, वैसे अपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, हाँ, पहले उन्होंने विधि सिखाई ना सारी, उनके जो गुरु थे तोतापुरी, उन्होंने सारी विधि पहले सिखाई होगी कि भाई ऐसे ऐसे तुम करो, तब उनको वो साक्षात्कार हुआ। यार मिथिलेश जी आप उनकी बात ये सुनो, हाँ, वो तो पके हुए थे बिल्कुल। हाँ नहीं, पके हुए तो थे कुछ, वो उनको बस वो जो संप्रज्ञात समाधि का अंत तो उनके पास था ही। उन्होंने क्या विधि सिखाई थी जिस समय वो तोतापुरी जी के पास वो गए थे जी, और वो भी पहले ये कह रही कि मैं माँ से पूछ के आता हूँ फिर आपकी बात सुनूंगा मैं। राइट राइट, फिर वो माँ के पास गए, माँ ने उनको कह दिया हाँ ठीक है, तो फिर वहां वो बैठे, तो बैठे उन्होंने क्या करा था, बस वो कंकर लेकर के उनके माथे पे गए यहाँ लगाओ बस, जैसे वो किया वो तो हो गए असंप्रज्ञात समाधि। वो कोई मेथड मैथड नहीं था वहां, वो तो एक, और फिर वो तोतापुरी जी जब वहां पर उन्होंने माँ को नहीं माना ना तोतापुरी जी ने, तब फिर वो परमहंस जी ने उनको मनवा दिया था, इतना उनके पेट में प्रॉब्लम हो गई थी कि मरने के लिए तैयार हो गए थे तोतापुरी जी, और हुगली नदी पर उनको मरने के लिए पानी नहीं मिला था, फिर वो उनका माँ की तरफ ध्यान हुआ और उसके बाद वो ठीक हुए।
यानी उस माँ काली का भी उनको अस्तित्व उनको अनुभव कराया था। तो ये तो मतलब गुरु चेला तो बन गए बस ठीक है ऐसे, पर मानते तो गुरु थे ही वो, क्योंकि उसी समय जब वो बैठे थे ध्यान में, पता नहीं वो कहते थे पता नहीं मुझे तो सारी उम्र लग गई और ये तो एक सेकंड में एक मिनट में हो गया है मामला इसका पार। एक मतलब भृकुटी चक्र भृकुटी स्थान पर वो शीशाया को कंकर उठा रखा था उससे ही हो गया था उनका काम, कोई डिटेल उन्होंने मेथड नहीं बताया था उनको। ये हो गए जी साक्षात्कार वा अविद्या अपने, तो ये जो उपासना है ना वो साक्षात्कार के लिए है, और अनुभव पर्यंतता का मतलब जो लास्ट चरम स्थिति है अनुभव की, वो तभी तो ये कहते हैं ना वो इस पे 89 पेज पे निकालो जरा 89 पेज पर, 89 पेज पर ये कहा ना इन्होंने अनुभवो अंतःकरण वृत्ति भेदो भामती की 3 और 3/6 लाइन में, अनुभवो अंतःकरण वृत्ति भेदो ब्रह्म साक्षात्कार तस्य अविद्या निवृत्ति द्वारेण ब्रह्म स्वरूप आविर्भाव, ये अनुभव पर्यंतता है, लेकिन वो अविद्या निवृत्ति द्वारेण तो अनुभव पर्यंतता से अविद्या का अपनयन होता है, यही बात यहां कह रहे हैं ये अनादि अविद्या अपनये, अनुभव पर्यंतता से अनादि अविद्या का अपनयन होता है और उपासना से साक्षात्कार होता है। फिर इसको मैंने डिटेल में भी बताया था कि ये जो 89 पेज पर ये विचारस्य अध्यवसानम सवासना अविद्या द्वयोच्छेद, ये हमने वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता जो शंकराचार्य जी की जो पंक्ति थी इसको डिटेल में हमने किया था। चलो ये तो बात समझ आई ना, उपासना से साक्षात्कार और अनुभव पर्यंतता से अविद्या अपने, ये विधिम अंतरेण प्राप्तत्वेन, बिना विधि के ही ये प्राप्त हो जाता है, और इसमें पुरुष की पुरुष तंत्रता नहीं है। तस्मात ब्रह्म ज्ञानम, यदि ब्रह्म ज्ञान को आप मानसिक क्रिया भी मान लो तो विधि का गोचर नहीं है, यानी विधि का विषय नहीं बनती। पुरुष चित्त व्यापार अधीना यास्तु क्रियाया, पुरुष चित्त व्यापार अधीन जो क्रिया है वस्तु स्वरूप निरपेक्षता, ये यहां पर ई की मात्रा हटा लेनी चाहिए, वस्तु स्वरूप निरपेक्षता, उसमें वस्तु स्वरूप की कोई अपेक्षा नहीं होती, कहीं कहीं तो वो अविरोधी होती है, जैसे अविरोधी माने देवता ध्यान में कोई विरोध नहीं है, यथा देवता ध्यान क्रियाया नहीं अस्तिर वस्तु स्वरूपेण कश्चित विरोध, और क्वचित तो वस्तु विरोधिनी यथा योषित पुरुषयो अग्निबुद्धि, और योषित और पुरुष में अग्निबुद्धि ये विरोधी है, योषित और अग्नि ये विरोध है ना अग्नि के साथ, देवता ध्यान तो कह दिया उन्होंने देवता का ध्यान करो, किसी से उनका विरोध नहीं है, और अग्नि योषित में अग्निबुद्धि पुरुष में अग्निबुद्धि यहां पर विरोध है। तो क्वचित ये जो विधान है ऐसी क्रिया का, कहीं पर वस्तु स्वरूप निरपेक्ष होने पर भी कहीं पर वो विरोध का अभाव है और कहीं पर विरोध दृष्टिगोचर होता है, इसलिए यहाँ पर एतावता भेदेन, इस भेद के कारण ही निदर्शन मिथुन द्वयोपन्यास, उदाहरण युगलों का उपन्यास किया है। निदर्शन मिथुन, निदर्शन मिथुन तो ना वो ऊपर पंक्ति आई थी, यस्य देवताई हवि गृहीतम स्यात् ताम मनसा ध्यायेत वशट करिष्यन् संध्याम मनसा ध्यायेत, ये एक युगल हो गया, और दूसरा युगल हो गया पुरुषो वाव गौतमाग्नि योषा वाव गौतमाग्नि, ये दूसरा युगल ये हो गया, दोनों में भेद दिखाने के लिए संध्याम मनसा ध्यायेत और ध्यायेत वशट करिष्यन्, इन दोनों में वस्तु स्वरूप का कोई विरोध नहीं है, और पुरुषो भाव गौतम अग्नि योषा भाव गौतम अग्नि इनमें विरोध है, इसलिए दो इन्होंने निदर्शन मिथुन दो उदाहरण के युगल प्रस्तुत किए हैं। क्रियैव इत्येव कारेण
वस्तुतंत्रत्वम अपाकरोति, क्रिया ही है ये, एवकार जो आया है ना वहां पर, कहां पर है देखो एवकार, ये केवल चोदना जन्यत्वात् क्रियैव सा पुरुषतंत्रात् च। हाँ, या एवकार जो दिया है वो इसलिए दिया है कि वस्तुतंत्रत्व उसका अपाकर दूर कर रहे हैं। ननु आत्मेव आत्मा इत्येव उपासित इत्यादयो विधेय श्रूयन्ते। अब वो वाली बात आ रही है कि जो विधि हैं यदि वहां पर नियोज्य नहीं है तो कुंठी इत्यादि हो जाएंगे, कुंठी भवंती इत्यादि का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ननु आत्मा इत्येव उपासित इत्यादयो विधेय श्रूयन्ते न च प्रमत्त गीता। वो किसी प्रमादी पुरुष के कथन तो है नहीं, विधि तो है ही, ये भी उपनिषद के अंदर ही आ रही है। और तुल्यम ही सांप्रदायिकम, तो सांप्रदायिक का मतलब है यहाँ की जो गुरुमुख से अध्ययन इत्यादि है वो भी तुल्य है, मतलब समान है, तो यहाँ पर किसी विधेय का होना चाहिए। तस्मात विधेयन अत्र भवितव्यम, यहाँ पर कोई ना कोई विधेय होना चाहिए तभी युक्ति संगति उत्पत्ति बैठेगी। इत्यतः आह तद विषय लिंगादयः, तद विषय लिंगादयः श्रूयमाणा, ऊपर भाष्य में तद विषय लिंगादय श्रूयमाणा अपि अनियोज्य विषयत्वात् कुंठी भवन्त्युपलादिषु प्रयुक्त क्षुदतैक्षण्यादिवत् अहे अनुपादेय वस्तु विषयत्वात्। सत्यम श्रूयन्ते लिंगादय न तो अमी विधि विषया, ये विधि विषय इनका विधि विषय नहीं है। अब ये जो वाक्य आ गया ना तद विषयत्वे अप्रामाण्य प्रसंगात, यदि हम इनका विधि विषय माने तो ये अप्रामाणिक हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस पे, यदि हम इनका विषय विधि माने तो अप्रामाण्य की प्रसक्ति हो जाएगी। वो जो बताया बात कर रहा था मैं, जो हे उपादेय वस्तु है उसी के संबंध में क्रिया हो सकती है ना, हे उपादेय जो विषय होगा उस संबंध में क्रिया हो सकती है। क्रिया हो सकती है तो कर्ता भी हो सकता है, कर्ता हो सकता है तो अधिकारी भी हो सकता है, अधिकारी होगा तो नियोज्य भी होगा। और यदि वस्तु अहे अनुपादेय है, ब्रह्म जैसे अहे अनुपादेय है, आत्मा अहे अनुपादेय है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कोई क्रिया नहीं होगी। जब वहां पर कोई क्रिया नहीं होगी तो वहां पर कर्ता भी नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा तो अधिकारी भी नहीं होगा, अधिकारी भी नहीं होगा तो नियोज्य, और नियोज्य यदि नहीं होगा तो विधि कैसे हो सकती है। ये बात यदि हम उसको विधि उसका विषय मान लें और नियोज्य है नहीं तो अब प्रामाणिक हो जाएगा ना। विधेय के नहीं होने के नाते ये विधियां नहीं है। हाँ, वो आगे विधेय भी नहीं है, आगे बता रहे हैं वो। एक तो विषय वैसा नहीं है, विधेय नहीं है, और दूसरा अनुष्ठाता भी नहीं है। अनुष्ठाता भी तो नहीं है ना, क्योंकि कर्ता क्रिया नहीं है, कर्ता भी नहीं है, ना अधिकारी है ना नियोज्य है, आगे इसको बता रहे हैं वो। हे उपादेय विषय हुई विधि सैव च हेय उपादेय वा यम पुरुष कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्नोति तत्रैव च समर्थ कर्ता, और कर्ता भी समर्थ उसी में होगा जहां पर क्रिया कर सकता है वो, और जब कर्ता हो जाएगा तो अधिकृत होने के कारण वो नियोज्य भी हो जाएगा। तत्रैव समर्थ कर्ता अधिकृतो नियोज्यो भवति, क्रिया के लिए समर्थ वही होगा ना जहां पर हेयता और उपादेयता हो, और जब क्रिया कर के लिए समर्थ होगा तो कर्ता भी हो जाएगा, कर्ता हो जाए तो अधिकारी हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा तो नियोज्य भी हो जाएगा। नैचैवं भूत भूतानि नैचैवं भूतानि आत्मश्रवण मनोपासन दर्शनानि इति, इस प्रकार के आत्मा का जो श्रवण मनन और उपासन और दर्शन नहीं है, आत्मा अनमुपासित आत्मा वरे श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि जो है, आत्मा वरे द्रष्टव्य, ये सब जा रहे इसी को बता रहे हैं। नैचैवं भूतानि आत्मश्रवण मननोपासन दर्शनानि इति विषय तद अनुष्ठात्रो, ये आ गई बात, विषय नहीं है वहां पर, यानी वही विधेय नहीं है। विषय नहीं है का मतलब ब्रह्म है ना वो, अहे और अनुपादे, और जब उसका अनुष्ठाता भी नहीं है, अनुष्ठाता माने कर्ता नियोज्य इत्यादि भी नहीं है,
ये विधि के व्यापक हैं। तो विधि व्यापकयो विषय तदनुष्ठात्रो अभावात्, विषय भी नहीं है और नियोज्य भी नहीं है, इन दोनों के अभाव में विधि का अभाव है। इति प्रयुक्तापि लिंगादय प्रवर्तनायाम असमर्था, तो लिंगादि का प्रयोग कर दिया गया है फिर भी प्रवर्तना में वो समर्थ नहीं है, अर्थात विधि का विधि उनका विषय नहीं। और उपलैव छुर तैक्ष्ण्यम कुंठम, जैसे पत्थर पर वो छुरे का की धार कुंठित हो जाती है और कुंठित होकर के इसी प्रकार से ये जो श्रवण मनन इत्यादि है ये सब अप्रमाणी भवंती, यदि हम उनको उनका विषय विधि मानेंगे तो वो अप्रमाणी भवंती, वो प्रमाण नहीं होंगे, अप्रामाण्य की प्रसक्ति हो जाएगी। और इसीलिए कहा अनियोज्य विषयत्वात्, क्योंकि नियोज्य वहां पर नहीं है विषय के रूप में, अनियोज्य। एक चीज पूछूं मैं बीच में वैसे ही, तो आता है ना तस्याम दिष्ट स्वरूपायाम अधिकारो निवर्तते, जब वो पश्यन्ति का दर्शन हो जाता है तो आदमी का अधिकार निवृत्त हो जाता है, तो अधिकारो निवर्तते का अर्थ यही है कि उसके लिए कोई क्रिया फिर शेष नहीं रहती, ऐसा है क्या? हाँ, क्रिया शेष नहीं रहती, बिल्कुल ठीक है। वो फिर वो जो क्योंकि अधिकारी तो वही है ना जो जो किसी क्रिया का अधिकारी है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्रिया नहीं होगी तो पहले तो कर्ता बनेगा, कर्ता बनेगा तब अधिकारी होगा। जी जी, और फिर वो यदि उसके अंदर कामना होगी तो है ना अधिकार हो जाएगा ना। प्रश्न वही एक मन में आता है कि जहाँ कृति साध्यता है नहीं, तो कृति साध्यता के बिना यदि लिंग आदि का श्रवण है तो अब उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि लिंग आदि का श्रवण क्यों है, क्योंकि जहां पर कृति साध्यता होती है वहीं भी लिंग आदि का श्रवण का कोई मतलब है, वरना वो बेमानी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही वाली बात आ रही है आगे भी। समर्थो ही कर्ता अधिकारी नियोज्य, ही कह दिया ना, समर्थ जो है वही कर्ता बनेगा, वही अधिकारी है, वही नियोज्य है। असामर्थ्य तु न कर्तृता, जैसे अहे अनुपादेय में तो फिर क्रिया होगी नहीं, तो फिर समर्थ नहीं है ना क्रिया के लिए, वो सामर्थ्य के अभाव में तो कर्तृता भी नहीं होगी, ततो न अधिकृतो और अधिकारी भी नहीं बनेगा, अतो न नियोज्य इत्यर्थ, नियोज्य भी नहीं रहेगा। तो यदि उसको विधि उसका उनका विधि विषय हम मान लें तो नियोज्य के अभाव में और कर्ता के अभाव में, यानी कि हाँ नियोज्य के अभाव में और विषय के अभाव में, विषय का मतलब जो विधेय के रूप में है, यदि ब्रह्म को ले लें तो वो भी विषय नहीं है ना, क्योंकि वो अहे और अनुपादे है, विषय तो वो होना चाहिए यदि विधि का विषय बने तो जो हे और उपादे हो। यदि विधेर अभावा न विधि वचनानी, तो भाई विधि के अभाव में यदि विधि वचन नहीं है वो, तो किमर्थानी तरी वचनानी एतानी विधि छायानी इति पृच्छति, तो ये किस लिए है भाई, ये विधि स्वरूप जो वचन है ये किस लिए, किमर्थानी नचे अनर्थकानी युक्तानी, और अनर्थक ये हो तो ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय विधि के अधीन इनका ज्ञान होता है, स्वाध्याय विधि के अधीन ही इनका ग्रहण होता है, क्योंकि स्वाद इन वचनों का स्वाध्याय अध्येतव्य इसी विधि में आ गया ना वेदांत भी, तो स्वाध्याय स्वाध्याय विद्यधीन ग्रहणत्वाद अनुपत्ते रीति भाव, अनुपन्न हो जाएगा ये सब कुछ। यदि हम यहाँ पर लिंग इत्यादि का जो श्रवण हो रहा है उसके लिए हम कोई प्रयोजन नहीं बताएंगे तो ये अनुपत्ति हो जाएगी, क्योंकि बिना प्रयोजन के स्वाध्याय विधि के अधीन इनका ग्रहण ज्ञान हो रहा है और इनका कोई प्रयोजन नहीं है तो अनर्थक हो जाएगा नहीं। इसलिए यहां पर इसका जवाब वो दे रहे हैं कि ऊपर जो भाष्य में आया था किमर्थानि तारि आत्मवरे द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादीनि विधि छायानि वचनानि, उत्तर दे रहे हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखी करणार्थानी, स्वाभाविक प्रवृत्ति से विमुख करना,
जो हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन है सांसारिक गतिविधियों में, उससे अलग हटाना, उससे विमुख करना, स्वाभाविक प्रवृत्ति के जो विषय हैं उनसे विमुखीकरण इनका प्रयोजन है। तो प्रयोजन बता दिया। अन्यतः प्राप्त एव ही श्रवणादयो विधि स्वरूप, ये स्वरूप ही नहीं है, ये विधि स्वरूप ही होना चाहिए। विधि स्वरूप ही वाक्य ही अनुद्यन्ते नच अनुवादोप्य अप्रयोजन प्रवृत्ति विशेष करत्वात्। ये अन्यतः प्राप्त का अर्थ दिया इसमें, अन्य व्यतिरेक अवगत, ये दर्शनार्थम, दर्शन है ना आत्मा बारे द्रष्टव्य, यहाँ दर्शन का अनुवाद करके आत्मा द्रष्टव्य, आत्मा दर्शनार्थ है, इसका अनुवाद करके फिर ये इन विधियों की बात की है। और तो ये दर्शन का अनुवाद, दर्शनार्थम, ये वेदांत कल्पतरु में देखिए अंतिम पंक्ति में, दर्शनार्थम कर्तव्यत्वेन अन्वय व्यतिरेकावगतान श्रवणादीन अनुवदंती, क्योंकि जो श्रवण करेगा उसको दर्शन होगा, जो मनन करेगा उसको दर्शन होगा, जो निधिध्यासन करेगा उसको दर्शन होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। इसलिए ये अन्वय व्यतिरेक प्राप्त है, अन्वय व्यतिरेक से प्राप्त है। दर्शनार्थम कर्तव्यत्वेन अन्वय व्यतिरेकावगतान श्रवणादीन अनुवदंती वचांसी, वो इनका अनुवाद मात्र कर रहे हैं ये आत्मा बारे मंतव्य इत्यादि इत्यादि। तो वेदांत कल्पतरु यही कह रहे हैं, दर्शनार्थ अन्यतः प्राप्त एव श्रवणादयो विधि स्वरूप वाक्य अनुद्यन्ते, अन्यतः प्राप्त या अब यही हो गया अन्वय व्यतिरेक से जो प्राप्त है, दर्शनार्थम कर्तव्यत्वेन अन्वय व्यतिरेकावगतान श्रवणादीन अनुवदंती वचांसी। और वो जब अनुवाद कर रहे हैं वो कह रहे हैं तदगत प्राशस्त्य लक्षणया तेषु रुचिम उत्पाद्य, तदगत बने उन वचनों में जो प्राशस्त्य है, ये प्राशस्त्य की लक्षणा हो रही है उनमें कि ये सब ठीक है, उस लक्षणा से तेषु रुचिम उत्पद्य माना उसमें, सॉरी रुचिम उत्पाद्य उसमें रुचि उत्पन्न करके अनात्म चिंतायाम अरुचिम कुर्वन्ती, अनात्म जो नॉट सेल्फ है आत्मा से रहित बाकी सब में जो चिंता है उसमें अरुचि उत्पन्न करते हैं, इसलिए प्रवृत्त्यतिशयम जनयंती। प्रवृत्त्यतिशयम का मतलब मोक्ष के लिए प्रवृत्ति, उत्कृष्ट प्रवृत्ति को उत्पन्न करते हैं। ये हो गया प्रयोजन बता दिया। अन्यतः प्राप्त एव श्रवणादयो विधि स्वरूप वाक्य अनुद्यन्ते, तो इसलिए जो अनुद्यन्ते ये जो है ना नचे अनुवादों भी अप्रयोजन, ये जो अनुवाद है ये प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि ये प्रवृत्ति विशेष करत्वात्, ये जो यहाँ पर जो कहा ना इसमें प्रवृत्ति अतिशयम जनयंती, इसी को कह रहे हैं ये महामतिकार प्रवृत्ति विशेष करत्वात्। और उत्कट प्रवृत्ति है, उत्कट प्रवृत्ति ना, उत्कट प्रवृत्ति उसकी ओर करते हैं इसलिए। तथा ही ऐसा सर, वेदों में जहां भी अनुवाद का प्रसंग आता है ना वहां पे एक सीधा नियम ये है कि अनुवाद का मतलब है अभिधेयार्थ की दृष्टि से अनुवाद, जहां अभिधेयार्थ की दृष्टि से अनुवाद होगा ना वहां फिर लक्ष्यार्थ में तो नवीन अर्थ आएगा ही कुछ ना कुछ, वरना तो जो है वेद जो है वो कथित अर्थ को बार बार नहीं बता सकता, तो वो फिर अभिधेयार्थ को छोड़ना पड़ेगा। अनुवाद में हमेशा जो है ना उसके सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं, यही उसकी नवीनता है, नवीन अर्थ इसी रूप में, वरना तो अनुवाद कभी प्रमाण हो ही नहीं सकते। अनुवाद अभी ऐसे जैसे ये ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि है, या यही जो कहा है अग्निर्हिमस्य भेषजम है ना, अग्निर्हिमस्य भेषजम, तो ये अनुवाद है, ये तो जानते ही है, लेकिन इसमें उसका जो सामान्य अर्थ है ना उस अर्थ में प्रामाण्य नहीं होगा, उसका जो तात्पर्य इस रूप में है कि वो जो है आपको किसी यज्ञ से जोड़ रहा है या उसका जो मतलब कुछ उसका इंटेंडेड मीनिंग जहां जा रहा है ना एक्सटेंडेड मीनिंग उसका प्रामाण्य है। हाँ। ये तो ठीक है, अग्निर्मश बिल्कुल ठीक।
नमस्ते। हाँ ठीक है जी, आगे चले इसमें। ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ, आगे तत्तद इष्टानिष्ट विषयेपि विषयेपसा जिहासा अपहृत हृदयतया बहिर्मुखो न प्रत्यगात्मनि समाधातुम अर्हति। ये हो गया ना कि इसमें, क्योंकि तत्तद इष्टानिष्ट विषय इप्सा जिहासा, इष्ट की तो इप्सा हो गई, अनिष्ट की जिहासा हो गई। इष्ट की इप्सा से, अनिष्ट की जिहासा से जिसका हृदय अपहृत हो गया है, जिस लगा रहता है उसी में, इष्ट कैसे प्राप्त हो, अनिष्ट को कैसे दूर करूं, तो बहिर्मुखो न, वो बहिर्मुख हो जाता है, न प्रत्येगात्मनि, वो प्रत्येगात्मा में समाधि नहीं लगा सकता, प्रत्येगात्मनि समाधातुम न अर्हति। आत्मश्रवणादि विधि स्वरूप वचन ही, आत्मश्रवणादि जो विधि स्वरूप वचन है, मनसो विषय स्रोत खिलीकृत्य, मन का जो विषय की तरफ प्रवाह है, हैं? उसको खिलीकृत्य, उस भाव को बिल्कुल खाली करके, प्रत्येक आत्म स्रोत उद्घाट्य थे, प्रत्येक आत्मा की तरफ जो एक प्रवाह है, वो स्रोत है, उसका उद्घाटन कर देता है ये श्रवण इत्यादि विधियां। और इसीलिए प्रवृत्ति विशेष कर्ता अनुवादानाम अस्ति, अनुवादों की एक विशेष प्रवृत्ति, ये अनुवाद कर रहे हैं, यही उनका प्रयोजन हो जाता है। इति सब प्रयोजनतया, इसलिए प्रयोजन होने के कारण स्वाध्याय विद्यधीन ग्रहणत्व पद्यते, जो पहले आई बात आई थी, स्वाध्याय विधि के अधीन इनका ग्रहण युक्ति संगत हो जाता है, क्योंकि इनमें प्रयोजन तो कुछ है, कि बाहर से बहिर्मुख से अंतर्मुख बना देते हैं। यच चोदितम आत्मज्ञानम, एक और बात यहाँ पर आ रही है कि जो ये आत्मज्ञान जो विहित प्रेरित करने जैसा लगता है, मान लीजिए आत्मानम उपासित, ये जो वाक्य है यहाँ पर, ये एक विधान जैसा हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो आत्मज्ञान है, एक तो ये हो गया ना, ज्योतिषोम यजेत स्वर्ग काम, तो ज्योतिषोम कर्म का हमको ज्ञान हुआ, ज्योतिषोम कर्म का ज्ञान होने के बाद फिर उसका अनुष्ठान अपेक्षित है। इस प्रकार यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो आत्मज्ञान विहित जैसा लग रहा है, ये अनुष्ठान का अंग नहीं है, अनुष्ठान अनंगत्वात्, अनुष्ठान का अंग न होने के कारण ये पुरुषार्थ नहीं है। ज्योतिषोम का ज्ञान होने के बाद जब हम उसको उसको करेंगे, उसका अनुष्ठान, तो वह अनुष्ठान का अंग हो गया ना, वो किया जा रहा है, उसमें पुरुष व्यापार अपेक्षित है, पर आत्मज्ञान में पुरुष व्यापार अपेक्षित नहीं है। इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है तद अयुक्तम, ये ठीक नहीं है। यच्च चोदितम आत्मज्ञानम अनुष्ठान अनंगत्वात् अपुरुषार्थमिति तद अयुक्तम। अब सिद्धांति कह रहा है, ये बात जो कह रहे हो आप, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? स्वतो अस्य पुरुषार्थत्व सिद्धे, ये तो स्वतः ही पुरुषार्थ है। यद अनुष्ठान अनंगत्वम तद भूषणम न दूषणम, ये तो हमारे लिए भूषण है, कि जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती, कृतकृत्य हो जाता है आदमी। भूषणम न दूषणम, यद्यपि, यद्यपि से कह रहे हैं वो ऊपर, यो ही कहां पर है, यद्यपि यद्यप्य कर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम, कौन सी लाइन है बताओ? हाँ, ये रहा, यद्यप्य कर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम हानाय उपादानाय वा न भवति इति तथैव इत्यभ्युपगम्यते। अलंकार हुई अस्माकं यद् ब्रह्मात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्तव्यता हानि कृतकृत्यता चेति। ये वाली, ये बात कि स्वतो अस्य पुरुषार्थत्वे सिद्धे यद् अनुष्ठान अनंगत्वं तद् भूषणं न दूषणं यद्यपि, यद्यपि से ये बता रहे हैं ये सारा, कि यद्यपि अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान कर्तव्य प्रधान नहीं है, उसमें कोई कर्तव्य नहीं करना पड़ता, और हानोपादान आय वा न भवति, नहीं वो हान और उपादान के लिए है,
तथैव इत्यभ्युपगम्यते, वो वैसे ही माना जाता है बिना कर्तव्य इत्यादि के। अलंकारो ही अयम अस्माकम्, ये तो हमारा अलंकार है कि ब्रह्म के ज्ञान के बाद सर्व कर्तव्यता हानि, सब प्रकार के कर्तव्य छूट जाते हैं और कृत्य कृत्यता हो जाती है, यानी जो कुछ भी करना है वो सब हो जाता है सब कुछ। अब तथाच श्रुति आत्मानं चेद विजानीयाद अयम अस्तीति पुरुष, आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है ये पुरुष ये आत्मा है, जब ज्ञान होने के बाद किम इच्छन कस्य काम आए, किसकी इच्छा के लिए फिर शरीर को हम कष्ट दें, यानी कि अनुष्ठान अनुष्ठान को ये रिजेक्ट कर रहे हैं। किम इच्छन कस्य काम आए शरीरम अनुसंज्वरेत, यही आगे कह रहे हैं कि अनुसंज्वरेत शरीरम परितप्यमानम अनुतप्येत, यानी शरीर को कष्ट देने की क्या जरूरत, जब आत्मा का ज्ञान हो गया, अर्थात जब आत्मा का ज्ञान हो गया तो सब प्रकार के कर्तव्य की हानि हो जाती है। सुगमम अन्यत, सुगमम अन्यत, बाकी सब आसान है। और यहाँ पर आ रहे हैं तस्मात पर आ रहे हैं, ये एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्याद् कृतकृत्यस्य भारत, ये भी आसान हो गया, ये भगवद्गीता का तस्मान, ये उपसंहार वाक्य तस्मान न प्रतिपत् विधि विषयता ब्रह्मण समर्पण, ये है बलराम प्रतिपत्ति का मतलब, उपासना विधि के रूप में, उपासना विधि विधि के विषय के रूप में ब्रह्म यहाँ पर नहीं है दिया हुआ। प्रकृतम उपसंघर्ति तस्मान न प्रतिपत्ति विधि प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मण समर्पणम, तो यहाँ पर उपासना उपनिषदों का तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर इतनी बात हो गई। ब्रह्म में, ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म आत्मा इत्यादि के लिए उपासना विधि की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी अब दूसरा इसी बात को दृढ़ करने के लिए, प्रकृति सिद्ध्यर्थम जो टॉपिक चल रहा है उसको सिद्ध करने के लिए, एक देशी मतम दूषयितुम अनुभाषते, एक देशी मत का खंडन करने के लिए, उसमें दूषण दिखाने के लिए उसका अब यहाँ पर अनुवाद कर रहे हैं। यद्यपि केचित आहु प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तच्छेष व्यतिरेकेण केवल वस्तुवादी भेदभागो नास्ति, ये पूर्व पक्ष कह रहा है कि यद्यपि केचित से एक देशी मत है यहाँ पर, जो उपासना इत्यादि विधि मानते हैं उपनिषदों में उनकी तरफ से, कि वेदभाग जो वस्तुवादी है, केवल वस्तुवादी भेदभाग नहीं है, या तो वेदभाग प्रवृत्ति परक होगा या निवृत्ति परक होगा, या इन दोनों का जो शेष है, इन दोनों का जो अंग है वो होगा, और इनसे अतिरिक्त प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तच्छेष व्यतिरेकेण केवल वस्तुवादी वेदभागो नास्ति, ये इस एक देशी का ये मत है, इसको अब सिद्धांति कह रहा है कि तन्ना ये बात ठीक नहीं है। औपनिषदस्य पुरुषस्य अनन्य शेषत्वात्, जो औपनिषद पुरुष है, उपनिषदों में प्रतिपादित पुरुष है, वो किसी अन्य का शेष नहीं है, वो स्वयं में स्वतंत्र है। ओके, दूषयति तन्नेति। हेलो सर, सर यहाँ दो बातें लगती हैं एक जैसी, एक तरफ तो श्रवण निधिध्यासन की बात करता है, क्या एक तरफ तो श्रवण निधिध्यासन की बात करते हैं, कर्ता की बात करते हैं, हाँ। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति में मतलब कुछ व्यापार की आवश्यकता नहीं है, तो करता है तो कुछ ना कुछ करेगा, श्रवण निधि ध्यासन आदि भी तो उस व्यापार का ही अंग होगा ना सर। ये जो श्रवण इसमें व्यापार क्या करते हो तुम, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम व्यापार कर रहे हो कुछ उसमें, ज्ञान हो रहा है तुम्हारे कानों में, आवाज जा रही है, सुन रहे हो बस, अब अनसुना कर सकते हो उसे सर, प्रयास तो करेगा ना उसके लिए, क्या प्रयास कर, वही तो बात बता रहे थे ना हम, ये जो प्रमाण की बात तुमने नहीं सुनी बेटा पहले, कि जैसे हम ये गली, मेरे गली में एक दुर्गंध है और मैं आया तो नासिका से गंध चली गई ना मेरे अंदर, जी जी जो चीज ये है, ये प्रमाणाधीन है जी, प्रमाण व्यक्ति के लिए श्रवण मनन थोड़े है, ये तो अधिकारी के लिए है ना, और अधिकारी के लिए सब स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाता है।
नहीं वो ये ज्ञान और क्रिया की अभी जो हम अंतर बता रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान और क्रिया का अंतर वो समझ लेते तो ये ऐसा नहीं कहते ना श्रवण मनन इत्यादि के लिए। और वैसे ये तो ठीक है तुम्हारे कि भाई कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, लेकिन वो क्रिया वो ब्रह्म ज्ञान में हेतु नहीं बनती, वो अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बनती है। जी जी, अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसको उसको टॉर्च दिखाने की जरूरत नहीं है। सारा जो हमारा प्रयास है ना, हमारा सारा प्रयास है अविद्या की निवृत्ति के लिए। और जब विद्या, ये विद्या विद्या उत्पत्ति में सब साधनों को की अपेक्षा होती है। अभी जो सर्वापेक्षत्वात् सूत्र पढ़ रहे थे हम, उसमें यही बात है कि ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में सब साधनों की अपेक्षा है, लेकिन ब्रह्म विद्या का जो फल है उसमें ब्रह्म विद्या को किसी की जरूरत नहीं है। ब्रह्म विद्या अपनी उत्पत्ति में अपेक्षा रखती है। पर जो तुम्हारा जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न तुम्हारा यही है कि जो श्रवण मनन इत्यादि ये व्यापार है, ये श्रवण मनन इत्यादि व्यापार नहीं है, श्रवण व्यापार नहीं है उस तरीके का जिसमें हमारा हमारा कोई दखल हो कि यदि मैं बोल रहा हूं तो तुम सुन ही रहे हो। जी सर जी, सुन रहे हो बस, ये नेचुरल हो रहा है सब। जैसे गली में घुसा तो गंध आ गई नाक में, मैंने उसमें क्या कोशिश की बताओ। तो यही बात है ना कि जो 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 ज्ञान है ना वो प्रमाणाधीन है, जो ज्ञान है वो वस्तु तंत्र है, और जो क्रिया है वो पुरुष तंत्र है। उसमें तुम कर सकते, मैंने ध्यान लगाने की बात की तुमसे, अब ये क्रिया है, तुम्हारी मर्जी है तुम ध्यान लगाओ या तुम्हारी मर्जी मत लगाओ, उसमें तुम्हारा वो ये पुरुष तंत्र है। तो ये ज्ञान और क्रिया में ना अंतर समझो, बैठ के अच्छी तरह समझ लेना, है ना जी। ये निधिध्यासन क्या होता है, इसको एग्जैक्टली समझाओ जरा। हैं, निधिध्यासन, निधिध्यासन क्या होता है? हाँ, मतलब एक दो मिनट लगा के। हाँ, मैं अभी बता देता हूँ। देखो, आपने ब्रह्म के बारे में सुन लिया, और ब्रह्म के बारे में सुन लिया और सारा आपको तात्पर्य इत्यादि का सबको ज्ञान हो गया, तात्पर्य भी निश्चित आपको हो गया, और आप वो जो थोड़ा बहुत भी संशय है वो आपने अपने मनन से दूर कर लिया, अब जब मनन से जिस समय दूर हो जाता है, तो जिस विषय के बारे में हमने श्रवण किया, जिस विषय का हमने मनन किया, उस विषय पर तैल धारावत ध्यान करना अनवच्छिन्न रूप से ध्यान लगाना निधिध्यासन। मतलब ये प्रयास साध्य नहीं है ना, ये निधिध्यासन। हाँ, प्रयत्न साध्य तो नहीं है ना। प्रयत्न साध्य जो आदमी उस मेंटल स्टेट वाला होगा उसमें प्रयत्न साध्य नहीं, वो तो लगा ही रहेगा। पर होता है, जैसे नारद भक्ति सूत्र है ना जी, सातु अस्मिन, जो भक्ति के लिए कहते हैं सातु अस्मिन परम प्रेम स्वरूपा, भगवान में परम प्रेम ही भक्ति है। लेकिन परम प्रेम क्या है, मीरा को तो हमेशा कृष्ण का ध्यान ही रहता था, कभी कृष्ण के ध्यान से तो वो अलग हुई नहीं। कंटिन्यूअस जो चल रहा है, और उसमें जो आदर सत्कार निरंतरीय, ये तीनों जिस ध्यान में आ गए वो निधिध्यासन। आदर मानी उसमें हमारा, उसको हम एक माने कि जो काम हम कर रहे हैं इट हैज सम मीनिंग, सत्कार और बड़े प्रेम से करें उसको, आदर भी है और सत्कार भी होना चाहिए और साथ में निरंतरता भी होनी चाहिए, उसके बाद फिर दूर नहीं रहता ना वो साक्षात्कार। ये तो वो योग वाली बात हो गई ना फिर, सतु दीर्घ काल सत्कारा से भी तो निरंतर ही सत्कारा से।
राशि भी तो दृढ़ भूमि, यहाँ पर वो दृढ़ भूमि तो नहीं ले रहे हैं, ये तो आगे यही कहते हैं कि आदर सत्कार निरंतरीय से जो ध्यान संबलित है वही निधि ध्यासन के रूप में माना जा सकता है। तो फिर उसके बाद इतनी तेजी से आदमी उस तरफ बढ़ता है तो प्राप्ति हो जाता है फिर मामला है ठीक है। बड़ा है तो भाई मुश्किल काम ना। हाँ मुश्किल मुश्किल है। तो वो ये तो बता रहे हैं तो पहले के इष्टानिष्ट विषय इप्सा जिहासा अपरित हृदयतया बहिर्मुखो भक्ति आया था ना अभी। फिर अंतर्मुख होना चाहिए। हाँ हाँ अंतर्मुख होना पड़ेगा। अंतर्मुख ही तो चाहिए ही। वैसे तो देखा जाए ना ये अंतर्मुखी होने का मतलब ये है कि जिस यार मतलब ये बड़ी कठिन बात है। हाँ सर वो माइंड लाइन और लाइफ लाइन मिलने से नहीं होता वो। हाँ वो मतलब वो ये तो जरूर है कि जो थोड़ा बहिर्मुखी ये होते जो माइंड लाइन और आपकी लाइफ लाइन यदि उसमें गैप है ना। हाँ तो आदमी बहिर्मुख ज्यादा होता है। चलो ठीक है। एक्सट्रोवर्ट होता है ये तो खैर एक अलग बात है पामिस्ट्री की। आपने से बताया था ना वहां से कि जो प्रमाणगत असंभावना है वो श्रवण से निवर्त्य है और जो प्रमेयगत असंभावना है वो मनन से निवर्त्य है। मनन से। हाँ और जो विपरीत भावना है वो निधिध्यासन से निवर्त्य है। और उसके बाद पारोक्ष दोष जो रहता है वो साक्षात्कार में दूर हो जाता है। साक्षात्कार फिर अविद्या की निवृत्ति वो तीनों चीजें इकट्ठी हैं ये मैंने बात पहले बात कर रखी है। अच्छा अब ये जो बात है इसमें तन्न से जो मना कर रहे हैं कि पुरुष उपनिषद पुरुष अनन्य शेष है इसके ऊपर फिर इदम अत्राकूतम से भामतिकार उसको उसके अभिप्राय को समझा रहे। बलराम जी है। बलराम जी गुरु जी मैं हूँ। गुरु जी एक चीज मुझे पूछनी थी। हाँ ये जो श्री कृष्ण ने बताया है भगवद गीता में पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्नीय तत्ववित इत्यादि श्लोकों में तो जो ज्ञान और क्रिया के बीच में भेद हो रहा था उन्होंने इस तरह से नहीं किया है सबको क्रिया ही माना है ऐसे लगता है देखने में। मतलब श्रवण स्पर्श इत्यादि जो है दर्शन इत्यादि जो है वो एक तरह वो ज्ञानात्मक क्रियाएं होनी चाहिए और एक जो है वो जो गमन इत्यादि है अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन नहीं वो तो ऐसा है कि मेंटल भी जो हमारे कॉजिटेशन है जो हो रहे हैं उसमें भी तो बता दिया ना ध्यान इत्यादि को लेकर के। हाँ यानी मेंटल मतलब उसको भी हमें वो तो क्रिया है ध्यान इत्यादि करना ये सब क्रिया ही है ना। तो मतलब जो श्रवण इत्यादि है। हाँ श्रवण ये श्रवण इत्यादि तो देखो ना अब श्रवण हो रहा है मैं बोल रहा हूँ तो हो रहा है नहीं हो रहा है ये जो क्रिया है ये प्रमाणाधीन है और वस्तु माने शब्द तंत्र है जी। तो इसमें तो कर्तृत्व इसमें भी कर्तृत्व भाव हो सकता है तो उसका उसकी निवृत्ति के लिए कर कर्तृत्व तो है ही बलराम जी क्योंकि जब वो कर्ता नहीं होगा श्रोता नहीं होगा तो सुनेगा क्या वो जी, तो कॉन्शियसनेस का एलिमेंट वो तो रहेगा ही पीछे। जी 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 इसीलिए तो तंत्रता की बात आ रही है अन्यथा वस्तु तंत्र का मतलब ही है कि पुरुष वहां है लेकिन तंत्रता नहीं। हाँ 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 एग्जैक्टली लेकिन वो जो गीता का श्लोक है उसमें तो ये कहा है ना कि कर्तृत्व भाव हटा लिया जाए नहीं किंचित करो मी थी। हाँ तो मतलब वहाँ क्रिया तो है ना श्रवण इत्यादि क्रियाएं तो जनरल क्रियाएं है ना उसकी तो श्वसन भी है उसमें जिघ्रन भी है। हाँ वो सारी हैं सारी क्रियाएं हैं लेकिन कोई क्रिया में करता नहीं इसका मतलब है मैं किसी चीज का करता नहीं। वो भाव वो नहीं वो इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन यही हो रहा है ना कि उनको हम ज्ञान कहे क्रिया कहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जब हमने जिग्रहण इत्यादि की बात की है तो ये ज्ञान ज्ञान है क्रिया नहीं है। जी तो ज्ञान मतलब ज्ञानात्मक क्रिया है उसमें भी कर्तृत्व हो सकता है। हाँ उसी की निवारण का उपदेश दे रहे हैं। हाँ हाँ हो सकता है बिल्कुल।
जी, वो कर्म कर्म वाला जो गीता में श्लोक है ना, उसमें शंकराचार्य कहते भी हैं कि यदि उसमें कर्तृत्व भाव खत्म हो जाता है ना, तो वो अकर्म ही है, उसको अकर्म जानी। उदाहरण के लिए मैं ये दूं कि जैसे मैं गली में मेरे को दुर्गंध यदि आ रही है, तो जो आत्म प्रवण व्यक्ति होगा वो उस दुर्गंध से द्वेष नहीं करेगा। हाँ जी, और ये सर, वो राग द्वेष उसमें नहीं होगा। यह सर्वत्र तत्त प्राप्य प्रिया प्रियम दृष्टि, इतना बड़ा है तो मामला बड़ा कठिन, लेकिन इसमें जैसे भोजन भी यदि हम कर रहे हैं तो उसमें स्वाद न देख करके केवल जीवन मात्र के लिए खा रहे हैं, इतना हो यदि, लेकिन होता नहीं ना। कर्म राग देश राग द्वेष वियुक्त इस्तु विषयान उसका निर्मलता हो जाती है एकदम, उसके अंतःकरण बिल्कुल साफ ही हो जाता है, रहता क्या उसमें, सबके प्रति प्रेम, सबका अपना भाव, वो बड़ा विचित्र ही हो जाता है उसका हिसाब। तो वैसा सा हो जाए तो बहुत अच्छा है भाई। मैं तुम्हारा ध्यान इस तरफ आकृष्ट कर रहा था, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम की तरफ। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि रोटियां जरा सा ढंग से ना फूले तो नाराज हो जाते हैं, यहाँ कह रहा है कि स्वाद ही नहीं लेना। सही बात है, इधर अत्राकुतम में ये कह रहा हूँ मैं कि वो ये है ना कि सिद्धांत ही बात कर रहा है, कार्य बोधे यथा चेष्टा, कार्य बोधे यथा चेष्टा लिंगम हर्षादयस तथा सिद्ध बोधे, जैसे कार्य का ज्ञान करने में चेष्टा लिंग बनती है, जो ये उत्तम वृद्ध और मध्यम वृद्ध की बात कर रहे हैं हम, और बाल वृद्ध की, जो मध्यम वृद्ध की जो चेष्टा है ना, कार्य बोधे उसमें चेष्टा लिंग बनती है कि भाई इसने कहा गांव आने, तो वो गांव आने और गांव नए ये जो दो शब्द बोले, तो बाल वृद्ध यही देखता है कि इसने ये बोला तो इसने ये किया, और फिर वो जो आनयन क्रिया हो रही है तो आनयन आनयन शब्द से उस आनयन क्रिया का अर्थ ज्ञान ज्ञात करता है वो। ये जो चेष्टा है, ये कह रहे हैं कि कार्य के ज्ञान में चेष्टा लिंग है, उसी प्रकार जो सिद्ध का सिद्ध वस्तु का ज्ञान है उसमें हर्ष इत्यादि लिंग हो सकते हैं, कि जैसे वो यहाँ पर उदाहरण देंगे कि किसी को किसी के पुत्र जन्म हुआ तो पुत्र के पैरों का चिन्ह जिस कपड़े पर है या केसर इत्यादि में रंगा हुआ है, ऐसा जो उपहार देता है वो तो वो खुश हो जाता है, तो खुश हो जाता है कि पुत्र जन्म हुआ है, यहाँ सिद्ध सिद्धार्थ का बोध हो रहा है उसको। तो ये कहना सिद्धांत ये कहना चाह रहा है कि जैसे कार्य बोध में चेष्टा लिंग बनती है, उसी प्रकार सिद्ध वस्तु के ज्ञान में हर्ष इत्यादि लिंग बनते हैं, और अर्थवत्ता एवं इस प्रकार अर्थवत्ता होती है। और जहां तक शास्त्र की बात है, वो तो शास्त्र तो इस बात में कि वो हित का शासन करता है, हमारे उपनिषद भी हित का शासन करते हैं लेकिन सिद्धार्थक हैं, और आपके जो मीमांसा के वाक्य ज्योतिष टोमिन यजेत स्वर काम इत्यादि वो कार्यपरक हैं, तो उनकी अर्थवत्ता मतलब शास्त्र रखता है। शास्त्रत्व का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि वो विधि विधि निश्चित रूप से विधि ही करे। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं कि आमने अस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् तदर्थानाम्, ये जो आपने बिल्कुल ही एक सपाट बयानी कर दी ये ठीक नहीं है। तो यही कार्य बोधे यथा चेष्टा लिंगम हर्षादयस तथा सिद्ध बोधे अर्थवत्तैवम शास्त्रम शास्त्रत्वम हित शासनात्, यदि ही उसी को और समझा रहे हैं, यदि पदानाम कार्याभिधाने तदर्थ स्वार्थाभिधाने वा नियमेन वृद्धव्यवहारे सामर्थ्यम अवधृतम भवेत भवेत न भवेत अहे, ये थोड़ा सा रीडिंग ठीक करो, अहे अनुपादेय भूत ब्रह्मात्मता परत्वम उपनिषदाम, यदि
इस यदि ही पदानाम, यदि पदों की पदों का सामर्थ्यम अवधिरतम आ रहा है ना, पदों का सामर्थ्य कार्य अभिधान में या तदर्थ स्वार्थाभिधान है, कार्यार्थ, तदर्थ का मतलब कार्यार्थ, कार्यार्थ किसी अन्य अर्थ के अभिधान में, जैसे ये काम करो ये तो कार्याभिधान हो गया, घट लाओ तो घट का जो अभिधान है ये कार्यार्थ है, कार्याभिधान है, तदर्थ स्वार्थाभिधान है व नियमेन वृद्ध व्यवहारे सामर्थ्यम अवधृतम, यदि वृद्ध व्यवहार में उन पदों का सामर्थ्य कार्य या कार्य के लिए कोई वस्तु है उसके अभिधान में है तो न भवेत, न भवेत तो फिर अहे अनुपादेय भूत ब्रह्मात्मता परत्वम उपनिषदाम, तो उपनिषद फिर अहे अनुपादेय भूत ब्रह्मात्मता परक नहीं होंगे। पॉइंट आया कि यदि सर ये जो अहे उपादेय अगर हम लें रीडिंग तो इसमें अ दोनों में नहीं लग जाएगा समास होकर, तो वो जो रीडिंग देखी मैंने ये, चलो ठीक है, तो इसीलिए मैंने लगा दिया क्योंकि आप बार बार जब कहीं भी देखा है ना वो अहे अनुपादेय रूप में देखा है। अच्छा, तो एक वो जो परंपरा सी बनी हुई है उसको, उसकी सुरक्षा के लिए हो गई बात ये, बाकी तो ये अ का अन्वय हो ही सकता है वहां। अच्छा, मतलब मेरा मतलब ये था कि खाली किसमें, इसमें मिथिलेश सर जो कह रहे हैं ना उसमें सूत्र क्या लग गया, तो द्वंद्व के अंत में नहीं हुआ ना, तो आदि में हो गया, दोनों जगह है ना, द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं सम्पद्यते, हो जाए लग सकता है, पर ये तो खैर दिया हुए रीडिंग तो उसको ले लिया ऐसे हो सकता है वो। तत्र तत्र अविदित सामर्थ्यत्वात् पदानां, तत्र का मतलब क्या हुआ कि अहे अहे अनुपादेय ब्रह्म में सामर्थ्य का ज्ञान न होने पर, क्योंकि अहे अनुपादेय ब्रह्म में तो सामर्थ्य का ज्ञान होता नहीं, और लोके तत्पूर्वकत्वाच्च वैदिकार्थ प्रतीते। अच्छा, और लोक में जो पदों का ज्ञान होता है, पदों के अर्थों का ज्ञान होता है, वही पद यदि वेद में प्रयुक्त हो रहे हैं तो उनका वही जो लोक में हमको ज्ञान हुआ है वही उन्हीं अर्थों को लेकर ही तो हम उनका अर्थ करते हैं। तत्राविदित सामर्थ्यत्वात् पदानाम लोके, लोक में तो ब्रह्म में इन पदों का सामर्थ्य ज्ञात नहीं होता, और लोक में जो जिन लोके अवधृत सामर्थ्य, लोक में जिन पदों का जिस अर्थ में ज्ञान होता है तत्पूर्वकत्वात् वैदिक अर्थ प्रतीति, वैदिक अर्थ की प्रतीति भी तत्पूर्वक होती है, अर्थवंत शब्द सामान्य। हाँ, व्यास ने कहा अच्छा तू भूते भी अर्थे पदानाम लोके शक्य संगति ग्रह, और ये तो है ही कि भूत अर्थ में भी पदों का लोक में पदों का शक्ति ग्रह होता है। तथा उपनिषदाम तत्परत्न, तो उपनिषद भी तत्परक हो सकते हैं, जैसे भूत अर्थ में, भूत अर्थ में लोक में शक्ति ग्रह संगति ग्रह होता है तो तत्परत्वम उपनिषदाम, तो वो जो उपनिषद है तत्परक का मतलब भूत अर्थ परक, सिद्धार्थ परक, पौर्वापर या आलोचनाया अवगण्य मानम, तो पूर्वापर आलोचना से हम उस अर्थ को कि वो सिद्धार्थक है उसको हम जान लेते हैं, यदि वो ज्ञात हो जाता है हमें, पौर्वापर आलोचनाया अवगम्य मानम तत्परत्वम उपनिषदाम, उसको अपन नृत्य माने, उसको उसको हटा करके न कार्य परत्वम शक्यम कल्पितुम, तो हम उनको कार्य परक माने या कार्य परक वो है ऐसी कल्पना करें तो ठीक नहीं है, यदि लोक में सिद्धार्थ सिद्ध अर्थ में शक्ति ग्रह है, उपनिषदों में भी वो पूर्वापर आलोचना से हमको ज्ञात होता है, तब फिर हम उस स्थिति को छुपा करके, उस स्थिति का
उस स्थिति को नकार करके उसको केवल कार्य परक उसको माने तो फिर क्या होगा, श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात, जो श्रुत की हानि होगी और अश्रुत की कल्पना हो जाएगी। तो तत्र तावद एवं अकार्य अर्थे न संगति ग्रह, यदि इसलिए इस प्रकार अकार्य अर्थे न संगति ग्रह, यदि यदि अकार्य अर्थ में संगति ग्रह नहीं है अर्थात सिद्ध अर्थ में यदि शक्ति का ज्ञान नहीं है तो तत्पर प्रयोगो लोके न दृश्ये, तो तत्परक प्रयोग भी लोक में नहीं होगा। और जिसको सिद्ध वस्तु का ज्ञान है तत्प्रत्यय होगा, जिसको सिद्ध वस्तु का ज्ञान है व्युत्पन्न से, जिसको उसके अर्थ का ज्ञान है, उस प्रत्यय को यानी सिद्ध वस्तु का ज्ञान उसको है, उसकी हम अनुमिति भी नहीं कर सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर यदि अकार्य अर्थ में संगति ग्रह नहीं होता है, तो यदि सिद्धार्थ में सिद्ध अर्थ में संगति ग्रह नहीं है तो उस तरीके का प्रयोग भी लोक में नहीं दिखाई देगा। और सिद्ध का अर्थ सिद्ध सिद्धार्थ किसी व्यक्ति को ज्ञात है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। न तावत तत्पर प्रयोगो न दृश्यते लोके, और ऐसा है नहीं कि इस प्रकार का प्रयोग लोक में नहीं दिखाई देता है, ना है ना डबल न, न तावत तत्पर प्रयोगो न दृश्यते लोके। क्यों? कुतूहल भयादि निवृत्त्यर्थानाम अकार्य पराणाम पद संदर्भानाम प्रयोगस्य लोके बहुलम उपलब्ध। लोक में यहाँ पर जो ये है ना निवृत्त्यर्थानाम, यहाँ निवृत्ति के साथ तो अर्थ लग जाएगा, ये अर्थ जो है ना यहाँ कुतूहल के साथ, कुतूहल आर्थक भयादि निवृत्त्यर्थानाम कार्य पराणाम पद संदर्भानाम प्रयोगस्य लोके बहुलम उपलब्ध। कुतूहल आर्थक शब्दों का और भयादि निवृत्त्यार्थक शब्दों का जो अकार्य पर हैं, जो कार्य परक नहीं है, ऐसे पद संदर्भों का लोक में प्रयोग बहुत देखा जाता है। यहां तक इसको कर लेते हैं और ये जो आप पढ़ लेना ये आसान है। आगे आसान का मतलब है कि ये जो इस पेज पर 131 पेज पर नीचे जो भामती की लाइन आ रही है पुरुषस्य अनन्य शेषत्वात्, यहां तक आप अच्छी तरह देख लेना इसको, क्योंकि ये सिंपल हिंदी करने वाली बात है, फिर भी मैं एक बार देख लूंगा नेक्स्ट टाइम। बहुलम उपलब्धि तक हम छोड़ दें इसको, ठीक है जी? जी सर, जी गुरु जी, प्रणाम सर, नमस्ते सर, प्रणाम, नमस्कार, जी जी सर, प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।